हिंदुस्तान में तकरीबन हर शहर में सुबह ऐसे ही होती है और शहरों में रहने वाले शहर में कम और जल्दी में ज्यादा रहते हैं। ये है मिस्टर पटेल और ये है मिस्टर डमरू लाल मजनू। इस जल्दी में छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। एक कार ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार की और फिर हुआ ये हंगामा। अरे ये एमएलए की गाड़ी है। अबे एमएलए होगा घर पे, जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और अभी हम पे रोक जमाते हैं। तुझे पता नहीं पब्लिक का पावर क्या होता है भाई। अयो हार बता डाला उसमें मच्छर होता है। कावेरी नदी का पानी अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? अरे कावेरी भाग गई है भाई। वो किसानों तक कब तक पहुँचेगी? पुलिस ढूंढ रही है। खबर ये है कि बॉयफ्रेंड के साथ कलकत्ता भागी है। ये है कल्पना और अब्दुल। देश भले ही धर्म के नाम पर बट जाए लेकिन प्यार करने वालों को कोई नहीं बांट सकता। ये है अदिति। कुछ लोग पास रहकर अपने प्यार का इजहार करते हैं तो कुछ दूर से ही अपना प्यार जताते हैं। ये है तिलक जो अदिति के माथे पर सजना चाहता है। नहीं करूँगी, ये आंटी मेरी रैगिंग कर रही है। कॉलेज तो कॉलेज पर स्कूल में भी रैगिंग होती है। 100 अब मैं 1 रुपए भी देने वाला नहीं हूँ। पहले जो चैनल पे पैसा लग चुका है उसका प्रॉफिट कहाँ है? चैनल को नंबर 1 बनाओ, उसके बाद बात करेंगे। बुड्ढा हमेशा पकाता। फिल्म मेकिंग में कितने लोग जाना चाहते हैं? और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने में? वेरी गुड। ये है एमएलए धर्म, ग्लोबल ड्रैगन पेस्टिसाइड कंपनी का मालिक। इस कंपनी की वजह से आसपास के गांव का पर्यावरण खराब हो गया है। इसी बात का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जिसमें एक है अब्दुल और दूसरी कल्पना। देखो हम जनता, मेरा मतलब विपक्ष के सामने झुकने वाले नहीं है। कहीं प्यार की फुलवारी सज रही होती है तो कहीं प्यार के दो पंछी किसी डाल पर बैठकर गुटरगूबी नहीं कर पाते। लेकिन बाबा ज्ञानी ने सच ही कहा है कि गिरी हुई चवन्नी और सच्चा प्यार ढूंढने से नहीं मिलता, सही वक्त आने पर खुद ही मिल जाता है। चुमी दो ना। हमारी मांगे पूरी करो, फैक्ट्री को बंद करो, शहर फैलाना बंद करो। जहरीली फैक्ट्री बंद करने के बजाय जनता का ये रखवाला उनकी आवाज बंद कर देना चाहता है। हैप्पी वीडी, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। हाय, हैप्पी वैलेंटाइन। इसने गलती से मुझे दे दिया। अदिति सुनो तो, शाम में गार्डन में मिला। ओके। अरे वॉटर आ गई। लेडी हंटर आ गई। रुक रुक, किधर जा रहे? थोड़े से मजे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्यार में लोगों के कपड़े तक फट जाते हैं। देखा आपने? लग रुको, ये लो। टी शर्ट अभी तक गर्म है। चले 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 चले। रुक, ए हट तिलक। तिलक ये मेरा फाइनल डिप्लोमा प्रोजेक्ट है, इसे खराब मत करना। इससे ब्रेकअप हो गया। बिछड़ने से पहले तुम्हें इसे आखिरी बार गले से लगाना है। गाहक शुड बी डिवाइन, जेंटल, ज्यादा कस के मत चिपकना। ओके, अब सोचो मत, बस कर दो। पर तुझे पता है ना, लड़कियों को देखकर मुझे कुछ अजीब सा होता है। ये देख, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। क्या पागलपन है, इससे डर रहा है? इसको देख के फीलिंग आई, इसमें लड़की जैसा है क्या? शीला ये जो चबा रही है इसे थूक दे। ओके क्लैप इन एक्शन। डरना नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। लग जाती है। कट काट तो रहा हूँ। कट काट रहा हूँ। कट हाँ काट रहा हूँ। तुझे अपनी 70 mm की कलरफुल जिंदगी से निकाल दिया तो तू क्यों खटिया पर लेटकर उसकी जिंदगी में एडिट हो रहा है? ये बता, इस बार ब्रेकअप काय का हुआ? सीन ऐसा था कि मुझे लड़की को किस करना था तो सीन में जान डालने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी। माँ, अरे रे, तुझे जन्म देकर 28 साल हो गए लेकिन अभी तक बड़ा नहीं हुआ। तेरा बाप तो बन गया प्रोड्यूसर और तू बन गया डायरेक्टर। एक के बाद एक सी ग्रेड फ्लॉप।
फिल्में बना रहा है तू? तेरी फिल्में कौन देखता है? मैं और तेरा इकलौता पाप। देखना एक दिन तेरी फ्लॉप डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से मेरी मैयत की डॉक्यूमेंट्री बनेगी। व्हाट एन आइडिया। तो आप मरने के लिए तैयार हो जाओ बापू। लाइट और कैमरा मंगा लेता हूँ और डायलॉग मैं खुद ही लिखूंगा क्या? ये सिखा मत मुझे। तुझे तो न्यूज रिपोर्टर बनना था ना। आज जेन वन टीवी में तेरा अपॉइंटमेंट था ना। 8 बज गए और तू आलसियों जैसा लेटा हुआ है। कब जाएगा? जब उस पोस्ट पर कोई और आ जाएगा। अगर नौकरी नहीं करेगा तो फ्लॉप फिल्म की तरह पिटेगा। अरे जेन वन टीवी ने बहुत गलत किया भाई। अरे चलो चलो साहब आ गए। चलो नमस्ते नमस्ते साहब। सर 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 आप ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं दादागिरी करना चाहता हूँ। सर गांधीगिरी गांधीगिरी दादागिरी नहीं। वही मतलब था। देखिए साहब इधर क्या हो रहा है? ये लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अरे जेन वन टीवी है ना, उस पे एक पॉलिटिकल टॉक शो चल रहा था। अच्छा, उसमें इसके खिलाफ किसी ने गांधी जी का एग्जाम्पल दे दिया। बस ये बापू का सारा लेकर अपने पॉलिटिक्स पे पॉलिश मार रहा है। तू जाना भाई, जब मैं 12 साल का था तो मेरे बाप के दुश्मन को चपका दिया था, समझे नहीं? वो बेचारा प्यास से मर रहा था तो उसके मुंह में पानी चिपका दिया था। बराबर बोला ना? देखो भाई लोग, बापू ने मेरे हाथ बांध रखे, नहीं तो मैं जेन टीवी को नर्क टीवी बना सकता हूं। देखो भाई लोग, कोई भी जेन टीवी मत देखना। जेन वन टीवी बोलो, जेन वन टीवी। अशोक क्या मैम क्या कर रहे हैं? सर सर 2 मिनट दीजिए, हो जाएगा 2 मिनट। अब एक गुंडे लग रहे हो, कपड़े चेंज करो जल्दी। जेन्युइन टीवी जल्दी करो नहीं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। क्या सर, खाकी ड्रेस किधर से टपक गया? उनके डंडे भी खाने पड़ेंगे, इतने कम में नहीं होगा सर। अब स्पॉट पे आके नहीं मुकरने का, पहले काम कर फिर दाम मिलेगा। करता हूँ कुछ। क्या पैसे के नाम पे होता है? में जाके खुल लीजिए आप। क्या पता नहीं लगना चाहिए हम लोग लफड़ा करने आए हैं? ठीक है उस्ताद, हो जाएगा। ए भाई आज तो पुलिस बहुत मारती है, मार के निकल लेंगे। ए शक्ल से मवाली लग रहा है। और ये रावड़ी वाली माला उतार दे, चल। ये डैनियल तू सिर्फ अंडे मारेगा और तू टमाटर मारेगा पीछे से, और कोई भी चाकू बीकू का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई टपक गया ना तो अपनी खटिया खड़ी हो जाएगी। हाँ माँ, किधर आ रहा है? टमाटर का भरता बनाने के लिए कहा था ना। ए, सब टमाटर भी गया, चल निकल। अरे आजकल टमाटर देखने को नहीं मिलता, एक फोटो तो ले लूं। ये अंडा कैसे दिया? अल्लाह मुझे भी गया। अरे मेरे घर का बल्ब फ्यूज हो गया, 200 वाट का देना एक भाई। अरे तेरा बल्ब फ्यूज करूं? ए चल निकल। 400 टमाटर उठा, चल। मेरी जेब में कंघी है, जेन वन टीवी गंदी है। आधी रोटी खाएंगे, जेन वन टीवी भगाएंगे। एक दो जनवन टीवी फेंक दो, एक दो ले, एक दो जनवन टीवी फेंक दो, ये ले, ले। एक दो और ले, एक और ले, और ले। जनवन टीवी फेंक दो। अरे क्या फेंक रहे हैं? अरे क्या, अरे ये काटे, ये एक बोला, ये देश के गद्दार है। ए रोक इसको, अबे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो? कैमरा वाले को शूटिंग करेगा क्या? निकल जाते उसको। चलो, अरे मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो, अरे
भाषण दे रहा था इधर। अरे मैं नेता हूँ यार। अरे वो लोग मेरी पार्टी के नहीं थे। बापू के आदर्शों पर चलने वालों ने आज हिंसा का रास्ता अपना लिया है। अगर ये नेता लोग सुधर गए तो अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। ये गांधीगिरी छोड़कर गुंडागिरी पर उतर आए, आपको जल्द पता चल जाएगा कि इस घटिया हरकत के पीछे किन हैवानों का चेहरा छिपा हुआ है। सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर पोस्ट करने से देश नहीं सुधरेगा, सबसे पहले आपको अपना घर सुधारना होगा। थैंक यू। ये पावली कम नेता लोग हमें बदनाम करके अपना नाम पाना चाहते थे, लेकिन तुमने गेम पलट कर रख दिया। यू आर वेरी स्मार्ट केल्विन। पटेल सर, तुम्हारा कार का तो हजामत हो गया। ये कोई खुशी की बात है क्या? हमारा तो नुकसान हो गया, सारे कैमरा डैमेज हो गए। नो वरीज मिस्टर पटेल, इससे न्यूज़पेपर में हमें एक्सटेंसिव कवरेज मिलेगा, सोशल मीडिया पर गांधी पर बैज छिड़ेगा और उससे हमारा चैनल बदनाम होके नाम कमाएगा और सुपर पब्लिसिटी मिलेगा। टेक इट फ्रॉम मी, नेक्स्ट शो का टीआरपी आसमान का चुम्मा लेगा। मीडिया में रहकर मीडिया के रूल्स फॉलो नहीं करना ठीक नहीं है। पब्लिक मीडिया पे भरोसा करती है। मीडिया वो कीटाणु है जो एंटीबायोटिक से भी नहीं मरता है। मीडिया का रूल है जो बदनाम होता है उसी का नाम होता है, और इसी को बनाएगा हम नया ट्रेंड। हम यूथ हैं, वक्त के साथ बदलते रहते हैं। ओ, आप खुद को यूथ बोलती हैं? मेरे को तो पोलिंग बूथ लगती है। थैंक यू। अबे तोड़ेगा क्या? आज ही ज्वाइन किया। तुमने नया नया ज्वाइन किया है? यस सर। पहले दिन ही लेट हो गए। वो क्या सर, बाहर पुलिस और नेता आपस में पकड़म पकड़ी का खेल खेल रहे थे। और तुम गरबा खेल रहे थे? नहीं सर, मैं शूट कर रहा था। क्या शूट किया? लीजिए सर, देखिए। बापू के आदर्शों पर चलने वालों ने आज हिंसा का रास्ता अपना लिया है। ये गांधीगिरी छोड़कर गुंडागिरी पर उतर आए, आपको जल्द पता चल जाएगा कि इस घटिया हरकत के पीछे कौन है। ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम है, फर्स्ट फ्लोर पर। जी सर। वहाँ जाओ। ओके सर। सर फोन मेरा है सर। देता हूँ ना, तुम जाओ। एक्सक्यूज मी। यस। वो पागल है क्या, मेरा फोन लेकर चला गया? वो न्यूज एडिटर है। अच्छा। वाह वाह वाह, देखा दीदी, मिमिक्री की वजह से इसकी ऑफिस में दुकान चल रही है। अबे आग जलता है। जलता है तो मलम लगाना। कट 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 कट। सॉरी, वो बहक गई थी, अब क्या करता मैं? शट अप तिलक, उससे कंट्रोल नहीं हुआ, तू तो कर सकता था ना, उसमें घुसा जा रहा था। छी, न जाने कितनी बार मैंने कट कट कहा। तुम कट कट कह रही थी, मुझे लगा तुम काटो काटो बोल रही हो। तेरा दिल मुझसे नहीं भरता क्या? टर्की अदिति, उसे किस करते ही मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे हर तरफ सिर्फ तुम ही तुम नजर आने लगी। और जानती हो, जैसे ही मेरी आंख बंद हुई ना, तुम्हारी खुशबू मेरे नाक में घुसने लगी, और उसे छूने पर मुझे सेम टू सेम यही एहसास हो रहा था कि तुम मेरे साथ हो। मैंने उसे तुम समझकर छुआ। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो, मौका मिलते ही अपनी औकात दिखा देते हो। ए, आवाज नीचे कर, क्या किया मैंने? हाँ, मेरी बात सुन। देख, शेर शिकार करेगा, सांप डसेगा, और आदमी हमेशा आदमी ही रहेगा। क्या तेरे अंदर कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती? चप्पल से मुंह तोड़ दूंगी। अगर यही मैंने किया होता तो क्या करता तू? कुछ भी मत बोल, बात का पतंगड़ बना रही। अदिति, अदिति, अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो हम जिंदगी साथ कैसे बिताएंगे? जानू, तो फिर जाओ, उसी कलमोही के साथ रहो। जाओ, दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। सॉरी अदिति, दूर रहो। सॉरी अदिति, प्लीज। मुझे छूना मत, मुझे तुमसे नफरत हो गई है। धोखेबाज, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं, मेरी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। जा, सब खत्म। चल चल, जा जा। चोर की गई का। एक भी किस दी है? चल जा। अभी भी गुस्सा हो क्या? अदिति, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? खैर, जो मुझे जानते हैं अपना मानते हैं। मेरा नाम है जगन और ये है मेरा जूनियर अशोक कुमार। हेलो। हेलो, छोड़, पहले दिन लेट हो गया, जाओ उधर जाके बैठ जा। ए, पर्स तेरा क्या? ए, दो क्या कान के नीचे? अरे रख ले, अपने बॉयफ्रेंड को दे देना। गटर बंद कर। हे गाइस, बॉस इज कमिंग। चलो स्टैंड अप कॉमेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस। हेलो, आई एम केल्विन कार्डोस, चेयरमैन ऑफ द नेटवर्क। आई एम भावना, अपना इंट्रोडक्शन दो। सर मैं निशांत। प्लीज तुम बैठ के लो। सर न्यूज़ की जो स्क्रिप्टिंग होती है उसकी क्यूसी मैं करती हूं। हेलो सर, मैं आरती, न्यूज़ रीडर। सर हम मोहन। सर मैं। ओके ओके ओके, नाम में क्या रखा है, काम करके बताओ। तुम लोग कुछ ऐसा करो जिससे चैनल ऊपर उठ के आए, फिर तुम्हारा नाम मेरा हार्ट में छपेगा।
लेट्स कम टू द पॉइंट। हम एक ऐसा म्यूजिक शो करना मांगता जिसमें कुछ ऐसा हो जो न्यू हो, फ्रेश यंग टैलेंट्स, थरकते भरकते दो एंकर, फिल्म इंडस्ट्री के तीन जजेस, वो भी साउथ का। प्रोग्राम का नाम तुमने सोची? हाँ सर, कुछ सोचे हैं। गुड आंटी, तंबूरा बजे पैरवा हिले, ये नाम कैसा रहेगा? ओके। अरे म्यूजिक पे पैर हिलते हैं ना, तुम कुछ बोलने को मांगता? हाँ मैं ये सर, ये आंटी शॉट खींच रही है। वो तुम्हारा घंटी बजाएगा जो बोलने का। ओपन हार्टेड बोलो। सर मैं सामने आके ओपन होता हूँ। फॉर श्योर, थैंक यू। सी एच का मतलब चैनल। ये चैनल 2, ये चैनल 3, ये चैनल 4 और ये चैनल 5। कहने का मतलब है हर चैनल दूसरे चैनल से ऊपर जाना चाहता है, और इसी दौड़ में कुछ चैनल ऊपर चले जाते हैं और कुछ बहुत ही नीचे। इन शॉर्ट सारे अंडा ही बेच रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीकों से। ये अंडे को तलकर बेचता है और ये उबाल कर बेचता है। ये अंडे की भुर्जी बनाता है, ये अंडा बिरयानी बनाता है, ये अंडा मैगी और ये डबल हाफ फ्राई बनाता है। मतलब न्यूज वही है, लेकिन हर चैनल उसे अपने हिसाब से घुमा घुमा के बताता है। बात साफ है, चैनल के पास नया कुछ नहीं है, इसीलिए हमें कुछ ऐसा सोचना है जो बाकी चैनलों से एकदम हटके हो। तो जब तक हम दर्शकों को कुछ नया नहीं देंगे, हमारी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, और उसके लिए हमें काम करना होगा कंटेंट पर। ये सब देखकर आज ऐसा फील हो रहा है कि ऑफिस में नहीं, टेंथ के क्लासेस में बैठा हूँ। ये केस प्रोफेसर को काम पे रख लिया। इसीलिए हमें दर्शकों को कुछ ऐसा देना होगा जो न पहले उन्होंने कभी देखा हो न बाद में देख पाए। ओके मिस्टर बुर्जी पाव, तुम गली का नुक्कड़ पे बुर्जी पाव का ठेला अच्छे से चला सकता है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, उसके बाद मैं डिसाइड करेगा तुम सही सोचा कि गलत। मैं तुमको एक महीने का टाइम देता है। ओके अदिति। यस सर। हमारा शो का लोगो इंडियन आइडल से बेटर होना चाहिए। सर अभी तक शो का नाम फाइनल नहीं हुआ है। जस्ट अ मोमेंट। आजकल धरने पर बैठना फैशन बन चुका है। धर्म की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेन वन टीवी के ऑफिस के आगे धरना दिया और तोड़फोड़ की, जिससे जेन वन की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। जेन वन टीवी के कंप्लेंट करने पर पुलिस जब लोग हंगामा कर रहे थे तब हमारे कैमरा तो टूट गए। लेकिन सूत्रों से हमें पता चला है कि ये दंगा धर्म की पार्टी में चल रहे अंदरूनी मनमुटाव की वजह से हुआ है। गुंडों की धरकत को हमारे एक रिपोर्टर ने अपने मोबाइल में कैद किया, जिसका नाम तिलक है। 100% ऑपोजिशन वालों का काम है। बापू के आदर्शों पर चलने वालों ने आज हिंसा का रास्ता अपना लिया है। अगर ये नेता लोग सुधर गए तो अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। ये गांधीगिरी छोड़कर गुंडागिरी पर उतर आए। देश बदलना है तो अपने आप को बदलो। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। तिलक सर, दैट वाज अ वंडरफुल जॉब। हम एकदम इंप्रेस हो गए। तुमको एक महीने का टाइम दिया था, तुमने एक मिनट में इम्प्रूव कर दिया। मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। ऑलराइट भावना, तुम इनके डिपार्टमेंट्स डिसाइड करो। श्योर सर। आदित्य और जगन फ्री होने के बाद इनको स्टूडियो दिखाओ। ओके सर। सर ये तो आपने न्यूज ही बदल दी, एडिट क्यों किया सर? तारो फोन। लेकिन सर मैंने तो कुछ और ही शूट किया था। इस दंगे के पीछे जिन लोगों का हाथ था मैंने उनका वीडियो बनाया था, वो क्यों नहीं दिखाया? यहाँ पर क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये सब मैनेजमेंट तय करता है, तू जलसा कर। लेकिन सर ये तो धोखेबाजी है। जो है वो यही है, ज्यादा दिमाग मत चला। तो आके भाड़ के देख लो, ये है जेन टीवी वेलकम। ये वो जगह है जहाँ पे सारे लाइव शोज, डिबेट्स, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये है प्राइमरी एडिट सुइट, यहाँ पर सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, इसे PCR भी कहते हैं, यहाँ से ब्रॉडकास्ट होने वाले सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हैं, और एंकर और कैमरामैन को इंस्ट्रक्शंस भी यहीं से देते हैं। और ये है मास्टर कंट्रोल रूम, और ये है कार। ऑफिस में कार चला के दिखाओ ना। पढ़े लिखे जाहिल, कार यानी सेंट्रल अपैरेटस रूम। सारे प्रोग्राम्स को इस लक्ष्मण रेखा को पार करना ही होता है, और जब वीडियो इस कमरे में घुस जाए तो फिर उसे टेलीकास्ट होने से खुद इंद्रगुप्त भी नहीं रोक सकते, और फिर आप देखते हैं जेन टीवी। यार चेप होने की हद हो रखी है तूने। हे अदिति क्या कर रही है? अरे गया उसका फोन, नया फोन गया। हाँ यार माग भरते माथा नहीं। पहले इसके साथ मीटिंग लाइनअप कर लो, फिर इसके साथ
क्या? आजा। तो हमारे म्यूजिक शो में स्पेशल गेस्ट कौन होगा? मैम अक्षय कुमार। वो हमारे पूरे एपिसोड का बजट लेकर चले जाएंगे। कुछ सस्ता सुंदर टिकाऊ सोचो ना। मेरे गणित की कैलकुलेशन बोलती है अनूप जलोटाल। चुप शैतान। पावर स्टार के सर। पावर स्टार? हाँ। उनका म्यूजिक से क्या लेना देना? अरे बिल्कुल, वो भी तो कॉल ट्यून और रिंगटोन यूज करते हैं। चुप ना अदिति। देखो ये मेरा शो है। मेरी बात तो सुनो। अपना मुंह बंद रखो। सुपर सुपर आइडिया है। टीआरपी में अंगार लग जाएगी। नो डायरेक्टर के खिदमत में सलाम। हाय भावना, मेरी फिल्म का तुम लोगों ने एक बार भी प्रमोशन नहीं किया अपने चैनल पे। अरे पैसे दे दूंगा ना हिट होने के बाद। ऐसा नहीं है, तुम्हारी फिल्म का नाम हमारे चैनल पे आया है दो बार। अरे भावना, तुम तो जानती हो कि फिल्म कंप्लीट होते होते प्रोड्यूसर भिखारी हो जाता है। अरे हमारे पास तो डबिंग तक के पैसे नहीं होते। अरे भावना, मीटिंग के बीच में तुमने फोन क्यों उठाया? देखो अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही ना तो हमारा चैनल जो है वो बैठ जाएगा। इसको अवार्ड दो, उसको मत दो, ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझता हूँ, समझ गई ना तुम? सुभाष भाई यहीं पर हैं। ठीक है, मैं व्हाट्सएप करता हूँ। फोन रख दिया। हेलो। क्या कल्पना के साथ? कब? क्यों रोक रहे हो हमें? जाने दो। तुम कौन होते हो रोकने वाले? कल्पना मेरी दोस्त है, हमें उससे मिलने अंदर जाना है। उसने छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। इसका तो सवाल ही नहीं उठता, वो आत्महत्या के खिलाफ काम कर रही थी। हमें जाने दीजिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, उनको रोक रखा है। उसका नाम अब्दुल है। ठीक है सर, मैं संभालता हूं। सुनो, उनको भगाओ। अरे अब तो अंदर जा सकता हूँ ना। ये क्या नाटक है? इसको जल्दी से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ। चलो चलो यहाँ से, चलो। मुझे इसी हॉस्पिटल में जाना है। इसी ने कल्पना को प्यार में धोखा दिया, तभी उसने ये कदम उठाया। बेचारी कल्पना फंस गई ना इस गुंडे के चक्कर में। बहुत भोली लड़की है। ले जाओ। मैरी सिस्टर। क्या कहा? ड्रेस पर नाम पढ़कर इम्प्रेस करना है तो सही नाम तो लो। मैरी अम्मा नाम है मेरा। देखो इतना तामझाम धाना तो दिखा नहीं। यहाँ पर कल्पना नाम की एक सोशल एक्टिविस्ट एडमिट हुई है। मिलने का जुगाड़ हो जाए तो। रिश्वत देके तो मुझे खरीदना चाहता है। 10 साल की नौकरी में मैंने आज तक 10 रुपए में रिश्वत नहीं ली है। तू है कौन बे? सॉरी सिस्टर, प्लीज हमें गलत मत समझिए। हम सब कल्पना के फ्रेंड्स हैं। हमें बताइए ना हम उससे कैसे मिल सकते हैं। अशोक थोड़ा पीछे। सॉरी सिस्टर, हो सकता है उससे मिलने के बाद हमें सच्चाई का पता चले। आप शायद जानते नहीं है, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। अब कैसी है वो? बेचारी की हालत बहुत खराब है, उसके पूरे शरीर पर खरोच है। उन भेड़ियों ने उसे बुरी तरह से नोचा है। आखिर एक नन्ही जान इतने लोगों से कैसे लड़ती? किस्मत से वो बच गई है। सिस्टर हमारा कल्पना से मिलना बहुत जरूरी है। सिस्टर प्लीज। हम बहुत बड़ा जोखिम उठाने जा रहे हैं, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करना। इन्हें शक ना हो जाए इस बात का ध्यान। डॉक्टर पेशेंट को काफी देर से बैक पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ में। आप जरा देख लेंगी? अदिति नर्स, ये दर्द फ्रैक्चर की वजह से है, इसका एक्सरे निकालना। हाँ जी डॉक्टर, आप लोग यहीं पर रुकिए, हम एक्सरे करके लाते हैं। नर्स बहन जी, किधर लेके जा रहे हैं इसको? एक्सरे निकालने के लिए। तुम अपना काम जरा जल्दी खत्म करना, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके। ये सब कैसे हुआ कल्पना? आखिर वो लोग कौन थे? ये लोग मेरे साथ चैनल में काम करते हैं। ये है तिलक और ये है अशोक। देखो ये तुम्हारी मदद करने आए हैं, हमें गलत मत समझना। मतलब तुम यहाँ इसलिए आई हो कि तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज मिल सके? तुम्हें मुझसे जरा सी भी हमदर्दी नहीं है, तुम्हें तो बस गर्मा गर्म स्टोरी चाहिए। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हम सच में तुम्हारी आत्महत्या की न्यूज बनाने के लिए आए थे, पर यहाँ आकर हमें सच्चाई का पता चला। पुलिस सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। वो लोग अब्दुल पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने तुम्हें प्यार में धोखा दिया। कल्पना, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह तुम भी चुप रहोगी? हम तुम्हारा चेहरा और नाम नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हारे स्टेटमेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा यकीन करो, हमारा चैनल तुम्हारा साथ देगा। ट्रस्ट मी, साथ दोगे ना? ए कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर।
कल्पना अपना चेहरा घुमा लो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा चेहरा दिखे। घूम जाओ। हाँ परफेक्ट। ए तिलक, ये तूने क्या कर दिया भाई सर्किट? वो चेहरा दिखाने को तैयार तो थी, तूने मना क्यों कर दिया? उसका चेहरा दिखाएंगे तभी तो टीआरपी बढ़ेगी ना। मुंह बंद करके काम कर। अदिति हट जा, कैमरा स्टार्ट। हमारा एक एनजीओ है नेचर ह्यूमैनिटी, जो भी प्रकृति को बर्बाद करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। मेरा गांव चंद्रिकापुर, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ का पानी जहरीला हो चुका है और उसकी वजह है ग्लोबल ड्रैगन पेस्टिसाइड कंपनी। उस कंपनी के मालिक का नाम धर्म है, जो एक पॉलिटिशियन भी है, और हमारी संस्था ने कई बार उसकी फैक्ट्री के बाहर धरना भी दिया। हमें रोकने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जेल भिजवाया, लाठी चार्ज करवाया, गुंडों से पिटवाया, और धरने के लिए जो भी औरतें आती थी उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। कईयों के साथ तो रेप भी किया गया, उनके अंगों को भी काट दिया गया। अब्दुल ने जब मुझे घर छोड़ा तभी धर्म के गुंडों ने मुझे उठा लिया। प्रोटेस्ट करेगी, एमएलए के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, चल मेरा प्रोटेस्ट कर, करके दिखा, चल चल चल, चल करके दिखा। चल रेडी हो जा। चाहे जितना भी डराओ और धमकाओ, लेकिन जो अत्याचार तुमने हम पर किया है उसका जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे। अगर तुम तो... एक को मारोगे तो हम जैसे 100 खड़े होंगे। आज नहीं तो कल हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे। आजकल हमारे समाज में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके घर बेटी नहीं बेटा हो। यही सोच लड़कियों को कमजोर बनाती है और यही हमारी गलत फहमी है। क्या बेटियां बेटों से कम है, अपने माँ बाप को औलाद का सुख नहीं देती? आज कितनी ऐसी बेटियां हैं जो अपने परिवार का पेट पालती हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल ड्रैगन फैक्ट्री के खिलाफ एक बेटी धरना दे रही थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फैक्ट्री के मालिक ने उसके साथ क्या किया। उस जनता के रक्षक ने उसका रेप करवाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस भी उसका साथ दे रही है। क्या आप उस जनता के रक्षक का नाम नहीं जानना चाहेंगे? और पुलिस भी उसका साथ क्यों दे रही है? ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की बात है। क्या हम बेटियों को इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि कोई भी उन्हें रौंद कर चला जाए और हम बस देखते रहे? इसलिए क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। जय हिंद। हाँ ठीक है। सर धर्म लाइन पर है। बहुत गर्म है। यस टेल मी, क्या रे गेम खेल रहा है तू? अभी पूरा न्यूज कहाँ दिखाया है? पूरा दिखाएगा तो हिल जाएगा। तो मुझे डरा रहा है? अरे मैं पॉलिटिशियन हूँ, इस केस में मुझे घसीने का तो तू खर्चा हो जाएगा। गरम नहीं होने का डर। अगर मैं सचमुच में गरम हो गया ना तो तेरे जैन टीवी को सरकारी अस्पताल बना दूंगा। मेरा ग्रैंडपा के टाइम का हिस्ट्री गवाह है कि मीडिया और पॉलिटिशियन कभी आपस में लड़ने को नहीं सकता है। मीडिया का साथ दुश्मनी तुम्हारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। हमारा दोस्ती वाइन एंड वेमन जैसा होना चाहिए। सो वी नीड टू टॉक। पहले जो तूने रायता फैलाया उसे साफ कर। वो हम समेटेगा, लेकिन उसका पहला तुम एक मीटिंग के लिए डेट फिक्स कर। क्या बोला रे मीडिया? डेट? तेरे बाल लंबे हैं तो क्या तेरे साथ डेटिंग करूंगा? तुम कितना पढ़ा लिखा है हम समझ गए। अभी अशोक बात करेगा। अशोक। हाँ सर। इस गधा को समझ। अरे यार ये कोई चैनल का ऑफिस है या फाइव स्टार होटल का जॉगिंग ट्रैक? चलते चलते मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अरे डमरू तू कुल कितने फिल्म बेचेगा? 350 में से 156 बेचूंगा। इसके बाद भी मेरा कर्जा नहीं उतरने वाला। उतरेगा तो सिर्फ वेट। लोग जिम ज्वाइन करते हैं वेट उतारने के लिए, मैं बोलता हूँ टेंशन ले लो, वेट उतर जाएगा। इससे मैं दमड़ी नहीं है और बात बड़ी बड़ी। पहले जैसा टाइम नहीं है। आओ डमरू आओ। सही, अभी मुंह मांगा पैसा कोई नहीं देता है, चाहे जितना भी बड़ा स्टार हो। सैटेलाइट राइट्स बस 8 करोड़ में जाता है, इससे ज्यादा कोई नहीं देता है। आओ आओ। And listen, वो अभी साइन करेगा तो आज का ऑफर है 8 करोड़ और कल बोलेगा तो सिर्फ 5 करोड़। यप।
सर ये डमरू है तबला टीवी से। आपका बारे में पता है। कम टू द पॉइंट, तुम्हारे पास कितना मूवीज है? 156। पटेल 2.5। ठीक है 3 कर देता है। सर मेरी हर फिल्म सुपर डुपर हिट है। आजकल डब्बे से डब्बे फिल्म का प्रोड्यूसर भी 10 लाख मांगता है। आप 7 करोड़ को सीधा 3 करोड़ पे लेके आए। मिस्टर डमरूलाल, इसका 3 CRB ज्यादा है। अभी डिजिटल का जमाना है, पुराना नेगेटिव्स कहाँ डालेगा। आजकल मक्की को भी फ्रेश खाना चाहिए, बासी खाना पे वो भी नहीं बैठता। ओ सर, आपने कभी बासी खी ट्राई नहीं की? एब्सोल्युटली, ये मूवीज अभी भंगार हो गया है। तुमको पता है भंगार का भी भाव है। लिसन, हमारे पास ये स्क्रैप के लिए टाइम नहीं। तुमने बोला स्क्रैप, अब मैं सुनाता हूँ तुमको रैप। एक फुकट में तेरे को ज्ञान की बात बताता हूँ मैं। पता है ये गाना किसने गाया है? दिल के चैन, दिलों की धड़कन, फ्लॉप को हिट, हिट को सुपर हिट बनाने वाले सुरों के शहंशाह, रैप के बादशाह, जिसकी आवाज को आज तक कोई छू नहीं सका, सबको लामलेट करने वाले कुमारों के कुमार किशोर कुमार, जिसकी धुन पे तेरे पप्पा भी नाचे होंगे। हे वारन से लेके अमिताभ बच्चन तक सबके गाने के राइट से मेरे पास। झिम झिम करे सावन, धरती बोले पुकार के, जमाना खराब है दगा नहीं देना। चलते चलते गुजर जाएंगे रस्ते, और मैं भी तुझे लगा दूंगा रस्ते, अम्मा खम्मा दे दे आज नहीं तो कल। एक बात बता दूं, आई कैन ऑल्सो टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, सी इंग्लिश, ब्रीद इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश मेरे गाँव बेगूसराय की लैंग्वेज है। और एक बात बोलू, चुन्नू की चाची ने चुन्नू के चाचा को जाननी रात में चांदी के चम्मच खटाई चटाई ग्लास में नहीं चटाई, तो मुझे क्या करना है? तुझे मालूम है तो तू कर ले। लेकिन एक बात और बता दूं, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बजर बट्टो। मिस्टर डमरू, तुम ये मेरे सेटिंग वाले साथ ही प्यार किए जा। जवानी दीवानी खूबसूरत सिद्धि पड़ोसन, सत्यम शिवम टॉकीज। सत्यम से याद आया, सत्यम के बाद मेरा भाई वड़ा पाव बेचता था, मेरा बाप वहाँ पे झाड़ू मारता था, और मेरी माँ ब्लैक करती थी। तुझे भी याद होगा, तेरा बाप भी वहाँ पे आता था, पता नहीं क्या करता था लेकिन आता जरूर था। उसके ऊपर मैंने भी नजर रखी थी, उसके बाद तूने लंबे बाल करके चमड़े का हाथ रिमूव। तुझे शायद पता नहीं बच्चों, लेकिन हिंदुस्तान में 25% लोग नोटबंदी की वजह से और बाकी खुफिया बंदी की वजह से बर्बाद है। मिस्टर पटेल, ये प्रोड्यूसर बावला हो गया। सर थोड़ा बढ़ा के सौदा फिनिश करो ने। इनफ इज इनफ, फाइनल 8 CR। इसमें तुम्हारा चैनल, तुम्हारे एम्प्लॉयज और बाकी सारे लाइसेंसेस सब हमारे। केल्विन सेठ, होगी तुम्हारे पास सोने की पहाड़ी, लेकिन नहीं छू सकते तुम इस डमरू की दाढ़ी। हमारी उड़ान बहुत ऊंची है बच्चू, तुम जैसे चूजे वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। सर वाइन भी है, वुमन भी है। देख रहे मीडिया, तेरी वजह से मेरे 23 खास आदमी जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। इलेक्शन सर पे और तू मुझे दरिया की सैर करवा रहा है। मुझे लोगों से वोटों की भीख मांगनी है। तूने बोला था सब ठीक कर देगा, कैसे करेगा बोल। होल्ड ऑन टारा, तुम्हारा DOD यानी कि डेट ऑफ डेथ के अलावा हम सब कुछ बदल सकता है। पटेल, इसको लाइव टेलीकास्ट दिखाओ। बस 2 मिनट में दिखाता हूँ सर। लड़की को बाद में देखना, अभी बैठो। सदाम हुसैन का स्टोरी पता है मिस्टर डारन? तुमको मालूम है उसका कहानी कैसा खत्म हो गया? कहानी? मैं कोई 70 mm फिल्म बनाने वाला हूँ। सर ये कहानी इराक की है। सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन रखता है। इस बात को विश्व में फैलाया गया कि अमेरिका खतरे में है। इस काम को करने के लिए एम्बॉयडेड जर्नलिज्म के तहत एक प्लान बनाया गया, जिसे कई सारे टीवी चैनल के जरिए रिपीट टेलीकास्ट करके दिखाया गया। इससे लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा। फिर कई देशों ने इसे सपोर्ट किया और उन सब ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन मारा गया। ये तेल की लड़ाई थी सर। उस दिन के बाद से आज तक एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला है। मीडिया के लिए ये बच्चों का खेल का माफिक है। किसी को उठाना, किसी को गिराना बड़ा बात नहीं है। वो सिर्फ बतौलेबाजी कर सकता है, करने के नाम पे कुछ भी नहीं। अभी दिखाता है। ब्रेकिंग न्यूज, कुछ दिन पहले जेन 1 TV के खिलाफ MLA धर्म के लोगों ने एक मोर्चा निकाला था, जिससे ऑफिस के सामने दंगा हुआ था और उसमें MLA धर्म के लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन हमें जो नई जानकारी मिली है वो बहुत चौंकाने वाली है। ये फुटेज देखने के बाद ये माना जा रहा है कि धर्म और उसकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये विपक्षी पार्टियों की चाल है। उन्होंने गुंडों की मदद से वहाँ तोड़फोड़ की और लोगों को लगा कि ये धर्म के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की पार्टी के झंडे उठाए हुए थे। पुलिस इस दंगे की जांच कर रही है। कैसे किए ये कारस्तानी? उस फुटेज की वजह सारे के सारे दाग धो दिए। मान गया तुझे मैं। आज से तेरा नाम वॉशिंग पाउडर। ये तो सुनिए सर, आपकी इमेज को बदलने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने एक प्लान बनाया। आपकी इज्जत लोगों की नजरों में अब कैसे बताऊं, इतनी गिर चुकी है कि गिर गिर के वो अब
नाले में पहुंच गई है। तेरे को चढ़ गई है छोटे, मेरे एक इशारे पे लोग जहां बोलूं आग लगा देते हैं, दंगे कर देते हैं, तो मुझे वोट नहीं मिलेगा क्या? तुम्हारा खोपड़ी आधा खुला है इसलिए तुम्हारा समझ में कुछ नहीं आता है। गुंडा लोग तुमको वोट नहीं डालता क्योंकि उनके पास वोटर आईडी नहीं है। 30% लोग तुमको उल्लू का पट्टा मानता है, 25% लोग गुंडा मानता है और 15% बेवड़ा मानता है। सर हमें आपकी पर्सनालिटी को एक ब्रांड बनाना है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है। उसको बदलने के लिए हम ये करेंगे, हम चैनल पर हर हफ्ते बताएंगे कि आप बहुत बड़े गुंडे मवाली हैं। फिर हम लोगों से टॉक शोज पर बुलवाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उसमें मिर्च मसाला लगाकर बार बार उसका रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। फिर आप ब्लैक कॉलर से सीधे व्हाइट कॉलर। ठीक है छोटे, जैसा नचाओगे वैसा मैं नाचूंगा, बस मुझे टॉप पे पहुंचाओ, पैसा तो मैं पानी की तरह बहाऊंगा। ठीक है जल्दी ट्रांसफर कर। ए बॉयज एंड गर्ल्स, जेन वन टीवी के धमाकेदार शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है ऑल इन ऑल सुराव संगीत का माहौल। शो में जीतने वाले को मिलेंगे गोल्ड बॉय। कैमरा वन कैमरा टू, आज केविन देखो सर एंगल ठीक है, अपना हुनर दिखाएंगे, जहां होगी बॉम्बे गर्ल्स की चिंगारी, ब्लू मेटल का धमाका। सर कुछ खाएंगे? अभी वेट कर रहा है, बाद में देखते हैं। सो लेट द म्यूजिक बिगिन। Mr. Patel, this is Lakshmi Mukund, ABC Ad Agency से आई है. She is a branding expert. नमस्ते. Judges, आपको performance कैसा लगा? बहुत अच्छा था. Mood fresh हो गया. सारा स्टेज हिला के रख दिया. बिजली के तार छेड़ दिए तुम लोगों ने. मैडम, ये सब दिखने में तो टिप टॉप है, पर परफॉर्मेंस में जीरो है. उसकी क्या जरूरत है? इनका मेकअप, इनकी ब्यूटी, कॉस्ट्यूम का स्टाइल, यही कस्टमर तक पहुंचना चाहिए बस. ये कोई मामूली शोगर्ल्स नहीं है, कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए शोकेस है. पर इनके परफॉर्मेंस में दम ही नहीं है, हो सकता है पहले ही राउंड में ये सब बाहर हो जाएगी. अपनी अकल मत लगाओ पटेल. केल्विन, अगर तुम्हें अपने चैनल पर मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स को बेचना है तो ये गर्ल्स फाइनल तक पहुंचनी चाहिए. जरूर पहुंचेगी. ओके, नो प्रॉब्लम केल्विन, सब कुछ संभाल लूंगी मैं. मेरा बात समझी? तुम बस देखते जाओ कैसे पासा पलटने वाली हूँ मैं. मैं तो फैन हो गया तुम लोगों का. क्या बात है, मजा आ गई. आपको उनकी तारीफ नहीं करनी है, उनकी कमियाँ बताइए. ये कोई गाना है? ऐसा लग रहा है बंदर बंदरिया उछल रहे हो. ये कोई गाना था? थोड़ी देर और नाचते तो आंतड़ियाँ बाहर आ जाती. कटोरा लेके सड़क पर भीख मांगे तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे. ऐसा नाच गाना अगर हम अपनी प्रेमिका को दिखाएंगे ना, वो समझेगी प्रेमी पागल हो गया है, भाग जाएगी वो. कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, मेरे मूड की तो वाट लगा दी. थैंक यू जजेस. आप जानते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट की राय, वो स्टार जब रोते भी हैं तो लगता है हंस रहे हैं, हमारे पावर स्टार. मैं क्या बताऊं? यही कि आज सुबह आप नहाकर आए हैं या नहीं. अरे सर, परफॉर्मेंस कैसी लगी वो बताइए ना. क्या कहने, इन्हें बजाता देखकर मेरा भी बजाने का मन करने लगा है. सर, शो हम लोगों का दिल बहलाने के लिए नहीं करते, जो पैसा देता है ना उसकी लाल करते हैं. बस थोड़ा सा चुभ रहा है. क्या सर, सीट में कुछ चुभ रहा है? सीट नहीं, बीट में. ये ड्रमर का टेम्पो इतना स्लो था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कछुआ जमीन पर रेंग रहा हो. तुम्हें बजाना था झयम झयम और तुमने बजाया झयम झक्कड़, झयम झक्कड़ और झक्कड़ झयम. सच बताओ, तुमने ये सब बिना दक्षिणा के सीखा है ना? क्या चमड़े की जबान है तो कभी भी फिसल जाएगी. अरे जजेस बोलते तो मैं उनका फैसला मान लेता. अरे आप तो खुद ही गेस्ट हो, आपको पता भी है बिल्ली कहाँ धूप सकती है. कपड़े के पतीले पे डांडिया बजाने वाला बोलता है कि पावर स्टार को कुछ नहीं आता. ये तो वही बात हो गई कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा. मेरे ख्याल से पहले मुर्गा आया होगा, तो शायद पावर स्टार सही है. जगन, डेविड से चैलेंज करवा और ड्रम बजाने के लिए उकसा. हे डेविड, पावर स्टार को चैलेंज कर जल्दी. अरे ये पानी भरने वाला ड्रम नहीं है, अगर हिम्मत है तो बजा के दिखाओ ना. ओह माय गॉड, कल के बच्चे ने पावर स्टार के पावर का फ्यूज ही निकाल दिया. बच्चे ने बोल दिया तो दिल रख लीजिए ना. रोबोट बना के ही छोड़ोगी? अपने पावर को सप्लाई कीजिए. आइए जाइए जाइए, हम एडिट में संभाल लेंगे. ए लकड़ी दे. ए कैमरा टू, उनके कांपते हाथों का क्लोजअप लो. डंडे की जगह हाथ थिरक रहे. अब असली मजा आएगा.
कमाल कर दिया पावर स्टार ने। सर एक बात पूछना था सर, आपके पैर का। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर। याद रखना, ना मैं जीनियस हूँ ना तुम जीनियस हो। जीनियस वो होता है जो बिना डरे बिना झिझके अपनी गलती को सुधारता है। मैं क्या हूँ? कुछ भी तो नहीं, ये सब आपका प्यार ही है। अगर आप मेरा मजाक उड़ाते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। इसी बहाने आप सब मुझे याद तो करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। रेडी हो जाइए क्योंकि नेक्स्ट आने वाली है बॉम्बे मेलोडी गर्ल। तुम जैसा बोलेगा हम वैसे ही करेगा। क्या बोलता पटेल? मैडम हम लोग मनोरंजन बेचते हैं, रेडीमेड गारमेंट नहीं। छोटे छोटे कपड़े पहनने से इनको गाना नहीं आ जाएगा। इनकी खूबसूरती ही काफी है मिस्टर पटेल, इन्हें देखकर लोग चैनल ही नहीं बदलेंगे। आजकल जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्रोग्राम तो बनाए गाने का लेकिन दिखाए फैशन शो। तुम चुप रहोगे पटेल? कैल्विन अगर तुम्हें अपने चैनल पर बड़े बड़े ब्रांड्स को लाना है तो जजेस वही कहेंगे जो मैं बोलूंगी, वरना तुम्हें कच्चे बनियान चड्डी या फिर गुप्ता चना भंडार जैसे एड्स चलाने होंगे। ट्रू। टेंशन मत लो, मैं सब संभालूंगी। मेरा बात समझा ना? गाना प्ले करो और मॉडल्स को सिर्फ कोट हिलाने। चलिए देखते हैं मेलोडी गर्ल्स की परफॉर्मेंस। निकल ले यहाँ से। जी निशांति। यस जजेस को ये रिजल्ट देकर आओ। ओके राघव ऑडियंस को लंच के लिए भेज दो। ठीक है चलिए खाना खाइए, कचरा मत फैलाइएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन अब आपको जाना होगा। अभी तो रिजल्ट बाकी है, मैं गाने के बारे में बिना कुछ बोले चला जाऊंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा? अरे हम लोग हैं ना, सब देख लेंगे। आप संभल के जाइएगा। ठीक है मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। Fabulous, fantastic, amazing! क्या बात है, सबको मजा आया ना? तो इस सुपर से ऊपर वाली परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है रिजल्ट्स की। माय डियर जजेस, हमारी ये नगाड़ा टीम अगले राउंड में जा पाएगी या नहीं बताइए। आप ही बताइए। बहुत मेहनत की मुगैम्बो खुश हुआ, पर फिर भी यही कहूँगा ये ढोली तारों वाली टीम अगले राउंड में नहीं जाएगी। मुगैम्बो दुखी हुआ, एक तो तुम्हारे ग्रुप में लड़कियाँ नहीं है, ऊपर से सारा परफॉर्मेंस देसी था। इस शो में हिस्सा लेने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। जरा देखो तो कैसे अटपटे कपड़े पहने हैं। क्या बेटा सर्कस में काम करते हो क्या? नहीं नहीं सर्कस में काम नहीं करता, इस शो में हिस्सा लेना तो मेरा सपना था, आगे से हम ध्यान रखेंगे। जगन ये लोग तो खुश हैं, ऐसा कुछ करो कि इन्हें बुरा लगे। ए, वो लोग तेरी बुराई कर रहे हैं और तुझे बुरा नहीं लग रहा? उनकी सड़ी बातों की तरह सड़ा हुआ मुंह बना तभी तो टीवी पे अच्छा लगेगा। बुरा नहीं लग रहा तो सड़ा हुआ मुंह कैसे बनाऊं? रुक मैं आ रही हूं। बेटा तुम लोग हार गए हो इसलिए तुम्हें रोना ही पड़ेगा। लोगों ने हमारे डांस को पसंद किया है, कितनी तालियां भी बजाई, ये हमारे लिए हार नहीं है। आपकी नजर में हारे हैं लोगों की नहीं। एक कैमरा क्लोजअप ले इसका। बेटा तू न सिर्फ जजेस को देखते रहना। हाँ? ये क्या किया आपने, इतनी बुरी तरह बच्चे को कोई थप्पड़ मारता है क्या? गुस्सा आया ना तो मुझे स्टेज से नीचे फेंक दे या फिर जाके कैमरा तोड़ दे। अरे कुछ तो ऐसा कर कि ये सनसनी न्यूज बन जाए। आपने ब्रेकिंग न्यूज के लिए इसे थप्पड़ मार दिया। ए, चलो यहाँ से। ए, सुन कैमरा रो मत बेटा, जूम इन फ्रेम में ले जाएगा सब। ए, चुप हो जा, दिल छोटा नहीं करने का। अरे ये लोग सब पागल होते हैं यार। अमेजिंग बमबार धमाका और सुपर से भी ऊपर वाले परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है विनर की और वो है बॉम्बे मेलोडी गर्ल।
क्या बात है, मान गई तुम्हें, तुमने तो कमाल ही कर दिया, पूरा गेम बदल कर रख दिया। ओके ओके ओके, हमको गेम बदलना अच्छा लगता है। ओपन टॉक शो हमारा ब्रांड न्यू शो है, अच्छे से होना मांगता है, उसी का मार्केटिंग के बारे में बात करना है। एंकर कौन है? पटेल, फोटो दिखाने का तकलीफ करो। ये आदमी तो सर्कस का रिंग मास्टर लगता है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। क्या यार, एक भी ढंग का नहीं है। सुना मिस्टर पटेल, भेजे में कुछ गुस्सा? दीपक और अर्नब का फोटो नहीं ला सकते थे क्या? कोशिश तो की थी सर, अच्छा ऑफर भी दिया, पर वो लोग नहीं मान रहे। आई नीड समवन यंग, बोल्ड, कुछ हटके हो, जो ऑडियंस को अपनी ओर खींचे, जो लोगों को दीवाना बना दे। सर, अपना तिलक कैसा रहेगा? वो सेंसिबल चौकरा है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस का लेवल जीरो है, उसका ऊपर हमको बहुत वर्क करना पड़ेगा। सर, वो सनसनी नहीं बना पाएगा, लेकिन उसकी बात में दम रहता है, ईमानदार भी है, ट्राई करते ना सर। तिलक, जिंदगी ने चांस दिया है, गवाना मत। सर, यहाँ नींबू शरबत मिल रहा है। मेरी बात सुन, अपने एक नए शो में तेरे को एंकर बना रहे। वो ब्लू साड़ी में लक्ष्मी मैडम है, एड एजेंसी की मार्केटिंग हेड है, और इस गेम की जज भी। एक बार तूने इसको इम्प्रेस कर लिया ना, तो तेरी निकल पड़ी। अब जमावट कर दे। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। Just give me a moment. अभी बात करके आता है। मैडम, यही है तिलक। इसके बारे में आपको बताया था ना? जानती हूँ। So तिलक, टॉक शो कैसा होना चाहिए? एंकरिंग के बारे में तुम क्या जानते हो? मैडम, ऐसा है कि एंकर की नजर चील की नजर होनी चाहिए। गेस्ट को देखते ही उसे पूरी तरह स्कैन कर लेना चाहिए। एंकर कभी भी गेस्ट को पोपट बनाकर खुद हीरो बन सकता है। एंकर के आगे गेस्ट कुछ मतलब नहीं। गेस्ट को हीरो बनाना चाहिए? आप गलत समझी, जर्नलिज्म के जो उसूल है ना, वो थोड़े हटके। तुम्हारी ये उसूल की बातें बहुत बोरिंग है। Correct. तुम्हारे पास कुछ मसालेदार नहीं है? आप यहाँ क्या मेरा टाइम पास करने आई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिसेस मंगलसूत्र नहीं है, मिसेस मिसेस शादी का कार्ड नहीं भेजा, मुझे क्या मालूम? कार्ड गया तेल लेने। लक्ष्मी, एक टपरी पर बैठकर चाय पीने वाला ये कैसे डिसाइड करेगा कि देश तरक्की कर रहा है या फिर डब्बे में जा रहा है? देश की आबादी ज्यादा है तो पब्लिक कुछ भी बोलेगी, और ज्यादा आबादी वाला देश कभी तरक्की नहीं करता है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बस चाइना को छोड़कर यकीन नहीं है तो अभी गूगल मारो। आपको मेरे बीच में बोल रही हो तुम? बॉर्डर पर शहीद होने वाले सैनिक को क्या मिलता है? सिर्फ श्रद्धांजलि और उसके घर वालों को तसल्ली। किसी पॉलिटिशियन या नेता का बेटा बॉर्डर पर क्यों नहीं जाता, इस बात का जवाब दो। जब तक दोगे नहीं उठने नहीं दूंगा। हेलो, मेरी बात तो सुनो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं कि जब कोई बड़ा बोलता है तो बीच में नहीं बोलने का? स्कूल नहीं गए क्या? एक टॉक शो तो ऐसा होता है, अब दूसरा दिखाता हूँ। नमस्ते लक्ष्मी जी, आप हमारे शो में आई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। माना कि हमारे देश में ट्रैफिक बहुत है, लेकिन कोई बात नहीं, आज अगर आप ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं होती तो हम ज्यादा काम करते। अब ट्रैफिक का जिम्मेदार कौन है पता ही नहीं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या फिर म्यूनिसिपैलिटी? आज तक पता ही नहीं चला कि कौन है। अगर आपको पता चले तो आप हमारी सरकार को मेल जरूर कीजिएगा। किसी भी देश की तरक्की उसके नागरिकों से ही होती है, और आप हमारे देश की सबसे अच्छी नागरिक है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप ही बताइए कि आप अपने शो में किस टाइप के एंकर को रखना चाहेंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा एंकर बनूंगा। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। सो कैसा लगा तिलक, इसका साथ हम कर सकते हैं? सर, मैडम का तो ओके हो गया। व्हाट? हाँ, सही कहा, ही इज गुड। तुम सैटिस्फाइड है? वाओ, ऐसा क्या दिखाया इनको? सैंपल दिखाया सर। पटेल, टॉक शो का पहला गेस्ट एमएलए डरम होगा, शुरुआत डमाल होना चाहिए। मिस्टर एमएलए धर्म, आप अपने गुनाहों पर कर्टन डाल रहे हैं। आपने अपनी 10 प्रेमिकाओं में से 7 को धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया। आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ए! मुझे कुछ नहीं सुनना, गलती मानते हैं या नहीं? अबे! ए! मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं तेरे जैसे गधे का बाप हूँ। आप देख रहे हैं महुआ, हम है निरहुआ, कहीं मत जाइए। एमएलए धर्म दारू की भट्टी चलाने के जुर्म में 2 बार जेल भी गया है। जुर्म संगीन है, इसके बारे में और पता करो। ओके। मोस्टली उसकी जायदाद उसकी बीवी के नाम पे है। उसकी बीवी का नाम है भाग्यवान, लेकिन असली भाग्यवान मंत्री है, क्योंकि उसकी बीवी इतनी भोली है कि
सूरज, दिल के टुकड़े छोटे छोटे क्यों किए तूने? अगर उसके दिल को प्यार से अपने पास रखता, पाल पोस के उसे बड़ा करता, तो रोज तेरे गाल पे प्यार से देती रहती। पर ये उन कस्टमर्स में से है जो पेट भरने के बाद भी दूसरे की प्लेट में झांकते हैं। मैंने उससे डिनर और कॉफी का वादा किया है, तू जा जल्दी से टिफिन और थर्मस लेकर। टिफिन और थर्मस घर से लाया कर, मुझे बबीता कामवाली समझा क्या? वैसे भी यहाँ पर कोई है जो रोज तेरा टिफिन बनाने को रेडी है, पर तू ही नहीं मान रहा। तिलक, आर यू रेडी? चल भाई, ऑल द बेस्ट। और हमें इस बात का पता चला है कि कल्पना कई सालों से दिमागी तौर पर बीमार थी। इस बारे में Zen One TV ने उसके माँ बाप से बात की। मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, 4 साल से वो ऐसी ही है और अब तो उसकी हालत और बिगड़ गई है। उसको लगता है कि जैसे कई लोग मिलकर उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। किसी वजह से एक दिन उसने चलती टैक्सी से कूदने की कोशिश भी की थी। उसका रेप नहीं हुआ है, कौन करेगा ऐसा? मेरी लड़की की वजह से दूसरों को बहुत परेशानी हुई है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कल्पना को एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसे महसूस होता है जैसे उसका कोई रेप कर रहा हो। ये सब उसकी काल्पनिक कहानियाँ हैं। ऐसी हालत में इसको खुला रखना खतरनाक है, इसे पागलखाने में रखकर इसका इलाज करना चाहिए। पिता और डॉक्टर की इस बात से ये कंफर्म होता है कि कल्पना के साथ किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की, तो गलत न्यूज चलाने के चलते हम आम जनता और MLA धर्म से तहे दिल से। कल्पना का चेहरा कैसे रिकॉर्ड हुआ? पता नहीं, इसको गौर से देखिए। कौन कर सकता है ऐसा? अशोक, ये उसी का काम है। छोड़ो मुझे, ये जर्नलिज्म के खिलाफ है। जाने दो मुझे। तिलक, ऐसे मत जाओ प्लीज। तिलक प्लीज, पहले मेरी बात सुनो। तिलक कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, हट जाओ। मैं अशोक को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। कल्पना पर क्या बीत रही होगी सोचा तुमने? उसे लगेगा कि हमने उसे धोखा दिया है। आखिर अशोक को मारने से क्या फायदा होगा? तिलक देखो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, काम डाउन, शांत हो जाओ। मैं शांत हो जाऊं? अगर कल्पना अशोक की वजह से पागल हो गई तो? कल्पना को तुम सिर्फ 1 हफ्ते से जानते हो, मैं उसे 10 सालों से जानती हूँ। क्या मुझे दुख नहीं है? मेरी दोस्त है, हमने किसी को धोखा नहीं दिया है। मीडिया के लिए न्यूज को बदल देना बहुत ही आसान काम है तिलक। हर बात को पर्सनली लोगे तो मीडिया में कभी काम नहीं कर पाओगे। हम इसका बदला जरूर लेंगे। कल्पना के इस केस ने राजनीतिक रंग ले लिया है और हमारा चैनल साथ दे रहा है। सही बोली तुम, बिल्कुल यही हुआ है। ये जानते हुए भी मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? अदिति, तुम क्या कर लोगे? कैसे बताओगे कि वो निर्दोष है? मैं पब्लिक को सब बता दूंगा। मीडिया में आए हुए तुम्हें कितने दिन हुए हैं? अगर तुम्हें सिस्टम को बदलना है तो पहले खुद का लेवल बढ़ाओ, और इसके लिए तुम्हें रवीश कुमार या विनोद दुआ जैसा बनना होगा। तुम्हें लोगों की नजरों में एक मकाम हासिल करना होगा। तिलक, तिलक, मैं खुद इस गंदे सिस्टम को बदलना चाहती हूँ। मैं हर तरह से तुम्हारा इसमें साथ दूंगी, समझे? अब मैं जैसा बोलती हूँ बस तुम वैसा ही करो। और मैं सिर्फ सपनों में ही नहीं, सच में तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। I love you. मैं वेट कर रही हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। सब सेट कर दिया ना छोटे? इलेक्शन जीतने के बाद मैं देश की GDP को आगे बढ़ाने में, अरे ये किसको बढ़ाना है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी सर, मैं हूँ ना आपके पीछे, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए थे? तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है। मैंने पता किया, जहरीले शराब बनाने की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई थी, इसलिए MLA धर्म को 2004 में जेल हुई थी। तिलक, ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसे सवाल मत पूछना जिससे वो भड़क जाए। सिर्फ वही सवाल पूछना जिसे वो रट्टा मार कर आ रहे हैं, समझे? मैं ईयरफोन पे तुम्हें गाइड करती रहूंगी। अदिति, इसे याद करवा दो ताकि ये कुछ भूले नहीं। याद हो गया तो चलिए। अरे इतना पढ़ा लिखा होता तो नेता बनता है क्या मैं? तो पढ़े लिखो का काम पढ़े लिखो को करने दो, मैं संभाल लूंगा। ईयरफोन पे सारी लाइनें बता दूंगा। ए तिलक, सारे सवाल याद कर लिए ना? मिट्टू की तरह रट्टा मारना। अपना ये सारे सवाल बकवास है। शट अप तिलक, सिर्फ यही सवाल पूछना है तुम्हें। सर 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 सर, बस हो गया, बस हो गया। इंटरव्यू शुरू हो रहा है। घूट और यार, सब तैयार है? रोल कैमरा। पहली बार बैठे हो, डरना मत, मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी। कुछ भी झोल झपाटा मत करना। चलो कुछ बोलो, साउंड चेक करना है। नमस्ते सर, कैसे हैं? ए नौटंकी मत कर, बी सीरियस, ढंग से बात कर। नमस्कार, आपका स्वागत है सर। नमस्कार मेरे भाई। वैसे
आप परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह आप ही के गीत गाए जा रहे हैं। आप एक नेता और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। आप अगर खुद का परिचय देना चाहेंगे तो किस तरह देंगे? मैं धर्म बहादुर हूँ। अच्छा, लोगों की सेवा में ही मुझे मेवा मिलता है। ओहो हो, ईमानदारी और सच्चाई मेरा एकमात्र रास्ता। अरे वाह, हमारे घर में एक कहावत बहुत मशहूर है, नेता कभी ना सच्चा, अगर सच्चा तो गधे का बच्चा। ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? वो क्या है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी नरम है। आपका नाम धर्म बहादुर क्यों रखा गया? क्या आपने वाकई कोई बहादुरी का काम किया था या फिर ऐसे ही नाम रख दिया गया? बताएंगे क्या? अरे ये सवाल बिंदास होकर पूछना भाई, मेरे से डर मत। 15 साल पहले सरकार ने हमारे शहर और आसपास के गांव में ढेर सारी दारू की दुकानें खुलवा दी, जिससे ढेर सारे मासूम गरीबों की जान चली गई। इस मौत के तांडव ने मुझे अंदर तक हिला दिया भाई, इसलिए उसे बंद कराने के लिए मैंने पूरे शहर को बंद करा दिया। 2004 में जहरीली शराब को लेकर एक गिरफ्तारी हुई थी, कहीं वो आप तो नहीं थे? ए तिलक, क्या पूछ रहा है तू, नशे में है क्या? याद आया, उस जगह का नाम धर्मपुर था। धर्मपुर के लोग मुझे अपना धर्म पिता मानते हैं, अपना बापू गांधी, उनके लिए मैंने गाली, मारपीट, अत्याचार सब कुछ सहा है। अत्याचार? किसने किया अत्याचार? अरे मैंने, सरकार ने किया। उन्होंने मुझे मारने के लिए गुंडे भी भेजे, मेरे नाम की सुपारी देकर मुझ पर वार करवाया। देखो ये लगी है, ये लंबी से मरवाया भाई। सर 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 सर, दिख गया दिख गया, बंद कीजिए। औरतें और बच्चे भी ये चैनल देख रहे हैं। बस बस बस, हो गया। अंदर तो और गहरे जख्म है भाई, इसी बहादुरी को देख के मेरे पार्टी के लीडरों ने मुझे वीर पुत्र, सूर्य पुत्र, धरती पुत्र जैसे टाइटल दिए, लेकिन लोगों के दिलों में मेरी तस्वीर एक धर्म रक्षक की थी, इसलिए मैंने धर्म बहादुर नाम रख लिया। भाई मैं तो मानता हूँ कर भला तो भला। सही कहा, ये बात हर शौचालय के बाहर लिखवा देनी चाहिए। 22 को चमका दिया बढ़िया वाला। ए तिलक, ये क्या बचपना है, ऑन एयर है तू? हाँ तो लोगों की शिक्षा के लिए आपने महान काम किए हैं, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज, 2 सिलाई स्कूल, 2 मेहंदी क्लास, और इसके लिए आपको अब्दुल कलाम से इनकी तुलना करो। नहीं करूंगा। अब्दुल कलाम? क्या अबुधाबी? लोग अब्दुल कलाम से मेरी तुलना करते हैं, उनका सपना मैंने पूरा किया। अब्दुल भाई चाहते थे कि देश का हर बच्चा पढ़े लिखे और ऊपर तक तरक्की करे। ये बताइए कि पिछली पार्टी छोड़ने की वजह क्या थी? आप बोलेगा हाँ। मेरे सिद्धांत जहाँ नहीं जमते वहाँ मैं नहीं जमता। मेरे सिद्धांत जहाँ नहीं जमते वहाँ मैं नहीं जमता। पता चली? इसका और चैनल का राइटर सेम है। जो ढूंढे नया ठिकाना, क्या लेके आना क्या लेके जाना। किसकी कविता है ये, चील भगत या बगुला भगत? सर बगुला भगत। बगुला भगत बहुत पहुंची हुई चीज थी भाई। सर एक बार फिर से फड़फड़ाइए। बगुला भगत कितना बढ़िया उड़ता है। बताता हूँ, पार्टी के लोग मेरे अच्छे कामों की वजह से मुझसे बहुत जलते थे, तो मैंने छोड़ दिया। आपने छोड़ दिया या आपको धक्के मार के निकाल दिया? तिलक अगर और भड़काया तो तुम्हारा करियर बर्बाद। निकाला नहीं था भाई मैंने, छोड़ा था। गरीबों का चिराग, बुझते दिए की लौ, महिलाओं का बॉडीगार्ड, ऐसे बहुत से टाइटल आपको दिए गए हैं। अब आप बताइए कि इसमें आपका पसंदीदा टाइटल कौन सा? भाई डॉक्टर, डॉक्टर का टाइटल भी तो मिला है। डॉक्टर साहब सॉरी, सब टाइटल के इतने लेने। अगर कोई टाइटल मेरे दिल के करीब है तो वो है गरीबों का चिराग। तिलक एड ब्रेक, ब्रेक अनाउंस करो। ऐसे ही सवालों की बरसात होती रहेगी, आप देखते रहिए ZEN1 TV। ए हेडलाइंस, तुम सवालों को बराबर लाइन से क्यों नहीं पूछते? मैं रट के आया हूँ, आगे से मेरा रिदम खराब नहीं करना। क्या नारे? ये लो साहब। तिलक लिस्ट के सवाल पूछने की बजाय तुम फालतू सवाल क्यों पूछ रहे हो? लास्ट वार्निंग, वरना तुम्हारी जॉब गई। सुनाई दे रहा है? और ये गधे की तरह मुंह क्यों लटका रखा है? जाओ अपने मुंह पर ठंडा पानी मार के आओ। यार बाकी सब ठीक है, पर तू बार बार क्वेश्चंस क्यों पढ़ता है? अगर मैं इनके हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा तो ये मुझे भगा देंगे, मूड खराब हो गया। कोई नहीं यार, होता है। हेलो अब्दुल, तुम तिलक को फोन दो। अभी वो बिजी है, तुमसे बात नहीं कर सकता। अभी क्या, अभी फोन दो उसे। मुझे दो। हाँ देती हूँ। हाँ अब्दुल। धोखेबाज, मैंने कल्पना को पहले मना किया था चैनल पर यकीन मत करो, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। यही तेरा जर्नलिज्म है तिलक? नहीं नहीं अब्दुल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मीडिया के दलाल हो अब्दुल, मेरी बात सुनना प्लीज अब्दुल। तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते? मुझे तो अब भी कुछ बचा है उससे कहने को? हाँ, भैया। कल्पना, कल्पना मेरी बात। तुमने मुझसे कहा था कि हम तुम्हारे फेस को कवर नहीं करेंगे, और ये भी भरोसा दिलाया था कि चैनल हमें सपोर्ट करेगा, पर तुम्हारे चैनल ने तो मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया, पागल साबित कर दिया, मेरे माँ बाप को झूठ बोलने पर मजबूर किया। नहीं कल्पना, मुझे गलत मत समझो, तुम नहीं जानती कि मैं। पहले तुम मेरी बात सुनो। तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं चुप रही तो
मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने सब कुछ बता दिया। तुम तो सच्चाई बता सकते थे ना, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में पागल हो जाऊंगी। जिन्होंने मुझ पर हमला किया वो तो गुंडे थे ही, उन लोगों का तो कोई धर्म ईमान है ही नहीं। पर शरीफ आदमी के लिबास में तुम भी दरिंदे निकले। सॉरी, सॉरी। ए फोन कट कर, इडियट। शो का टाइम है और तू फोन पे लगा है, हाँ? मुझे मत घूर जाके बैठ कुर्सी पे। मेरा आईपैड दो। जुमा जुमा हाँ। चार दिन नहीं हुए मुझे टेंशन दे रहा है। ये लो। वो हाल करूंगी कि दिल्ली तक कोई नौकरी नहीं देगा। उन लोग का पट्टा पता नहीं किस मनहूस घड़ी में आया था। तमीज नाम की चीज नहीं है, किस तरह से बात कर रहा है नेताजी से। और ये क्या बुझी हुई मोमबत्ती जैसा बैठा है स्माइल चेहरे पर। वेलकम बैक टू द शो। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। मिस्टर आत्माराम गोटे, क्या हुआ? तेरा असली नाम यही है ना? व्हाट? ए, क्या बक रहा है? रोज घर जाने से पहले तू जमुना बाई और मुन्नी बाई के कोठे पर सलामी देकर जाता है, सही कहा ना? तेरे को कौन बताया ये? तेरी पुरानी माशूका सरोज ने, हाँ? जब उससे दिल भर गया तो चंपा, चंपा के बाद चमेली, कृषिला, उन लोगों ने तेरी फाइल खोली। बढ़िया ठुकाई की है। देखा अशोक? I know, I know. I think बॉस को बुलाना चाहिए। हमारे MLA साहब 15 साल की उम्र में बिना लाइसेंस के ऑटो चलाते थे और 23 साल की उम्र में IC बैंक में इन्होंने पहला डाका डाला और BST बस में 556 लोगों की इन्होंने पॉकेट मारी। ये सारी डिग्रियां हासिल करके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद इन पर पैसों की बरसात शुरू हो गई। पब्लिक के टैक्स के पैसों से इन्होंने चार दारू की भट्टी लगाई। नोटबंदी में इन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया और फिर चाइना से मिलकर ग्लोबल ड्रैगन नाम की पेस्टिसाइड फैक्ट्री लगाई। ये तो चमत्कार है, एक साधारण ऑटो ड्राइवर होने के बाद भी इतना सारा काला धन आपके पास कहां से आया? ये इतना आसान नहीं है छोटे, बहुत कुछ सहा जिंदगी में। किसी ने मारा, किसी ने गाली दी, किसी ने छीना और फिर किसी से छीना, किसी को धोखा दिया, किसी का रेप किया और दंगा किया, यही ना? ये हेडलाइन क्या पक रहा है, पी रखी है क्या तूने? आप तो ऐसे भड़क रहे हैं जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो। मिस्टर आत्माराम गोटे, मैं दर्शकों को आपकी तरक्की का राज बता रहा हूँ। मेरे पिटारे में कुछ और भी है, वो भी खोलता हूँ। कुछ ही दिन पहले तेरी ऑफिस के बाहर एक NGO ने धरना दिया था क्योंकि तेरी फैक्ट्री का जहर पूरे वातावरण को खराब कर रहा है ना? कैल्विन, उनकी आवाज सुनने क्या करने पे तुला हुआ है? गुंडे भेजकर उनकी आवाज दबानी चाहिए, सही बोला मैं? उस ग्रुप की एक लड़की कल्पना का तेरे गुंडों ने बेरहमी से रेप कर दिया। क्यों, तूने करवाया ना? ए, जो लिस्ट में नहीं है वो पूछ क्यों रहा है मुझसे? मिस्टर आत्माराम गोटे, सवाल तो मैंने अभी तक पूछा ही नहीं। क्या, क्या? और क्या पूछेगा तू? मैं जनता के लिए धर्म पिता हूँ, यही मेरे लिए काफी है। सर ये फुटेज रखो या डिलीट करवा से मनी उगलवाने के लिए काम आएगा। ठीक है ब्रेक, ये मेरा वादा है। बीच में ब्रेक कैसे ले लिया? बस 500 रुपए में खर्च हो जाएगा, तू तू भी जाएगा, तेरा चैनल भी जाएगा। क्या काम कर रहे हैं? आत्मा, अब जो सुनाऊंगा ना तो सोफा निकलकर सर के ऊपर आ जाएगा। ये वही ऑडियो है जिसमें तूने अब्दुल को मारने की धमकी दी थी, ये ले सुन। देख अब ऑडियंस भी सुनेगी। देकर समझौता करना चाहता है अब्दुल? समझौते के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए फोन किया है। क्या जो कल्पना के साथ वो तेरे लिए काफी नहीं है क्या? किसी ने मिमिक्री किया मेरी? कौन है कल्पना, कौन है अब्दुल, किस धरने की बात कर रहा है तू? फालतू बक रहा है? अरे अरे अरे, BP मत बढ़ा यार। सर सर झगड़िए मत, ब्रेक ले लिया है। अरे क्या हो रहा है सर, आप मेरे को मार रहे? तू मेरे को सच में अहिंसावादी समझ रहा है क्या? बंद कर कैमरा, बंद कर, बंद कर, बंद कर। चालू रख। फैक्ट्री से निकलने वाली गंदगी कहाँ फेंको बता? तू भी अपने पेट की गंदगी इसी देश में निकालता है ना, और उसकी वजह से कोई मरा क्या आज तक? लिस्ट दिखा, लिस्ट दिखा। प्रूफ चाहिए मुझे अभी। सर सर ऐसा थूकिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्म चाय मंगवाता हूँ। पहले आप मेरे को एक बात बताइए, जिन्हें आपने मारा उन लोगों की लिस्ट है आपके पास? तेरी लिस्ट पहले मरो। ट्रक भर के आदमी मंगा रहे? दो ट्रक मंगा, बहादुर से सवाल पूछेगा। जगन पीछे से उठाओ। ये सब रिकॉर्ड कर लिया ना? बस थोड़ा सा छूट गया है, अब मत छोड़ना। हाँ ठीक है, गुंडा हो वो गुंडा। रिलैक्स, अगर आपको लगता है कि मैंने झूठ बोला है तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? और आपकी लुंगी क्यों खुल गई? बोलिए ना, मुझसे डर गए आप? नशे में हो इसीलिए नहीं मार रहा हूँ, वरना एक चाटे में जमीन चाटोगे, दिखाऊं क्या? झिंगुर के अभी पर निकल आए, तू मेरे पे हाथ उठाएगा अभी तेरी खैर खबर लेता हूँ। रुक जाओ, 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 रुक
ना देख रही है, बंद कर दी तू। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा तुझे। अरे तेरी दारू मार रखी है, दारू पी ले। क्या कर रहा है तू? दारू के बिना देख तेरी हालत क्या हो गई है। लोगों का खून नहीं खंबा भी। सर खंबा लाऊं क्या? चुप कर। ए, जो चाहिए था मिला ना? मिला यार, सर पे चोट आई है। इस घाव का मलहम अपने होठों से मेरे होठों पर लगा देना। बाबा लव गुरु ने कहा है। तुमने उसे अच्छी तरह से उकसा के सच उगलवा लिया। मान गया तिलक, हीरोज को स्टाइल से लात मारते देखा है। तू पहले जो स्टाइल से लात खा रहा था। पहले मैं फाइट मास्टर था। ओके बावना, जो मैं बोलेगा उसको लिख डालना। ओके अशोक, हमारा प्लान बी है मिमिक्री का। अरे बात को, ए कैल्विन नीचे आ रहे। जल्दी करो, कम ऑन, हरी अप। डरम कैल्विन, डरने का नहीं, टेलीकास्ट नहीं हुए। मैंने अपने पुंगी बजाने के लिए पैसे दिए थे तेरे को। टेलीकास्ट नहीं हुआ, अपना बीपी क्यों बढ़ा? अच्छा तो तू मेरे को डरम खिला देता। रिलैक्स भावना, आओ ना। ये लीजिए, अब इसको पढ़ने। इधर ये तुम्हारे लिए है, मेकअप टच अप। रिलैक्स सर, जो स्क्रिप्ट में लिखा है सिर्फ वही बोलिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। सॉरी भाई, 2 मिनट्स ब्रेक है, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? शर्ट दो सर, 20 सेकंड में ब्रेक खत्म हो जाएगा। प्रोमो डालो, टेलर का वाइट शॉट दिखाओ। सुनो, आइए सर, संभल के बैठिए। भावना, क्या? I want you to zoom it. और थोड़ा क्लोज जाओ। ओके, इसको फिक्स करो, इस पर टेलर का पुराना फुटेज मैच करो। गुड, लॉक कैमरा। ओके अशोक, टेलर का आवाज में बोलो। आपका मतलब ये सारे लगाए हुए इल्जाम झूठे? कैमरा टू, फेस को जूम करो, इतना जूम करो कि कुर्सी फ्रेम में दिखनी नहीं चाहिए, बाकी हम एडिट में संभाल लेंगे। एक्शन, ए वो देखो। आपका मतलब ये सारे लगाए हुए बोल कोई और रहा झूठे? आपने सुना है ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। ये अशोक टकलिया का काम है। आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसे गलत साबित करने का अब समय आ गया है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, पर ये बात लोगों को भी जानने का हक है, इसी वजह से मैंने आपसे इतने जहरीले सवाल। देखो भाई, फलदार पेड़ पे ही लोग पत्थर मारते हैं, अब इसमें बुरा क्या माना? लॉन्ग शॉट से तिलक को फ्रेम में जोड़ो। मैंने तो जन्म ही लिया। लाइव कैमरे के साथ इसको फिक्स करो। बड़े शर्म की बात है कि मुझे विरोधियों ने बदनाम किया उस बेचारी कल्पना का सहारा लेकर। घोर अन्याय हुआ उसके साथ। सर प्रोग्राम खत्म करने के लिए हमारे पास तिलक की कोई फुटेज नहीं है, अगर वो मिल जाए तो प्रोग्राम नेचुरल लगेगा। टेस्टिंग करते टाइम तिलक ने एक अच्छा सा नमस्कार किया था, उसको इधर लगाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा, जाओ। अरे नहीं, तुम मेरे छोटे भाई की तरह। नमस्कार। मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूं? तुम अपना धर्म निभा रहे। मुझे खुशी है कि इस अवसर पर मुझे अपने कलंक धोने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। जनता को इतना बड़ा धोखा दे रहे, चलो देखते हैं लोगों को। मामला सेट हो गया ना, अब मैं आ रहा हूं, मेरे को भी सेट कर देना। सेटिंग तो मैं करूंगा। क्यों किया ऐसा? अरे तिलक क्या कर रहे? कोई बीच में नहीं आएगा, तो समझता क्या मैं आपको? अरे क्या कर रहे हो? तिलक रुक जाओ, बीच में मत आओ। कुछ मैं हाथ उठाएगा तो वापस देख ले, बहुत पछताएगा तू। डेथ सर्टिफिकेट की तैयारी करो उसकी। तुम लोगों की वजह से चैनल बदनाम है। तेरा यहाँ आखिरी दिन है। अरे मेरा यहाँ आखिरी दिन है, लेकिन तेरा दुनिया में आखिरी दिन है। दिखा दो तेरी भैंसी टांग। छोड़ो मुझे। What the hell is this चिलाक? ये चैनल का ऑफिस है, ये कोई तरकारी का मार्केट नहीं है। ये तरकारी मार्केट ही है कैल्विन। यहाँ गटर की सब्जी में परफ्यूम लगा के बेचा जाता है। यहाँ पर हम घोटे फोटे कौन है? एक नंबर का बेवड़ा और धोखेबाज इंसान है, और आप उसकी तुलना अब्दुल कलाम सर से कर रहे हैं? साफ फालतू बकवास नहीं चाहिए। तुमको क्या लगता है सारा चैनल जेन्युइन न्यूज सुनाता है? दुखी पब्लिक को एंटरटेन करना हमारा काम है, गठिया सास बहू से निकाल के उनको वैरायटी प्रोग्राम देने का, जिसमें चटपटा मसाला हो, सनसनी हो। अगर बीवी ने फीका खाना भी बनाया हो तो न्यूज से स्पाइसी बनना मांगता है। जब ये कंपनी कमाएगा तभी तो तुम सबको खिलाएगा। ऐसी कमाई का क्या फायदा जो झूठ से हो? म्यूजिक शो से एक अच्छी टीम को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो गांव से आई थी। क्या लोग HD चैनल इसलिए सब्सक्राइब करते हैं कि टीवी पे इन बंदरों का चेहरा देखें? और ऊपर से उनका टीम में एक भी लड़की नहीं था। आदमी का मूड चाहे कितना भी खराब हो, टीवी पर 36:24 देख के उसका मूड फ्रेश हो जाता है। वो सब बोरिंग था। सर तो क्या हम भी उनकी तरह बन जाएं? सच्चाई तो लोगों के सामने आनी चाहिए कि नहीं? कल्पना रेप केस न्यूज को हमारा चैनल ने जिस तरह से दिखाया था, उस दिन हमको सबसे ज्यादा एड्स मिला था। अरे चुप रहिए, शर्म नहीं आती आपको? उस लड़की का रेप तो सिर्फ एक बार हुआ था,
लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में बार बार दिखाकर आपने उसका हजारों बार रेप किया। क्या रे? टकले तेरी भैंस। अरे अगर तेरी बहन का रेप हुआ होता तो क्या उसे बार बार टीवी पर टेलीकास्ट करता मीडिया के गंदे कीड़े? hey, सही बोला। तुम्हारा माँ को बाप को कोई मार के चला जाएगा या तुम्हारा किसी दोस्त का कोई रेप करके चला जाएगा तो तुमको फर्क पड़ सकता है, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक सनसनी हॉट सेलिंग न्यूज़। आप तो ठीक है, अगर मैंने तुझे नीचे छोड़ दिया तो इंडिया की हॉट सेलिंग ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। हैप्पी जॉनी। आज तक आई को है? कुछ नहीं, एक हॉट सेलिंग न्यूज के बारे में सोच रहा था जो तेरे ऊपर ही है। टीआरपी मस्त मिलेगी लेकिन उसके लिए तेरे को मरना पड़ेगा। अरे गुस्सा आ गया? तेरा फालतू बकवास बंद कर। एग्जैक्टली बकवास बंद कर। पब्लिक को बेवकूफ समझकर उनके जज्बात से मत खेल। पब्लिक भोली है, जल्दी झांसे में आ जाती है। आज पूरा देश न्यूज के भरोसे। कितने लोग हैं जो न्यूज देखने के बाद ही काम पर जाते हैं, और तुम जैसे चैनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोगों का भरोसा तोड़ रहे हो। अरे ऐसे वैसे चैनल देखने से अच्छा है कि लोग टीवी ना देखें। फोकट में तेरे को मैं एक सलाह देता हूँ, अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो डूब के मर जा। अरे चैनल जहर का कैप्सूल निकला है वो खा ले। लोगों को पता चला कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है तो सेट टॉप बॉक्स से तेरा चैनल फेंक देंगे और उसके बाद तू सीधा रोड पे आ जाएगा। अपना मेरी दुकान बंद। अरे ओ दो टके के नेताओं के बिचौलिए, बेटा कैल्विन तुम सब लोग का जिंदगी में बर्बाद करके रखेगा। इंडिया का कोई मीडिया कंपनी तुमको खराब भी नहीं करेगा। गुस्से में कुछ भी मत बोलिए सर। अगर तुम इनको सपोर्ट करेगा तो तुम भी इनके साथ में दफा हो जाओ। पटेल सर, इन्हें ऐसा क्या? इस मैटर से आप दूर रहिए, आप बीच में मत पड़िए, आपके बीवी बच्चे हैं। तुमने अगर इसको अपनी भाषा में बोल कि चैनल बेच के बैंकॉक जाके मसाज कराए, नहीं तो बहुत जल्दी ये पुड़िया बनाकर सींग चना बेचेगा थिएटर के बाहर। देखिए सर, हम गिरा हुआ काम करते हैं लेकिन गिरकर नहीं करते। तिलक देख, तेरे को नॉलेज का तिलक तो लग चुका है, क्यों ना तिलक टीवी नाम का खुद का अपना न्यूज चैनल खोल दे। लेकिन देख, न्यूज रीडर का ऑडिशन मैं लूंगा। एनी प्रॉब्लम? वही तो अंकल, कुछ चल नहीं रहे, सब झूम रहे। अच्छा और किधर मिलेंगे? इधर मिलेगा। मैं तो पर ध्यान मत दो, इसे चढ़ गई। ये एरिया सेफ नहीं है, यहाँ कभी भी पुलिस और गुंडा लोग का फाइट हो जाता है, तुम लोग को प्रॉब्लम होएगा। अरे प्रॉब्लम की बात मत करो अंकल, ये देखो प्रॉब्लम साथ में लेके घूम रहे हैं हम लोग, अब और क्या प्रॉब्लम होगा। अरे अंकल, तुम रोज संडे को चर्च जाते हो और वहाँ पे माचिस से कैंडल जलाते हो। अंकल जिसका चर्च में पर्स चोरी हुआ था। अरे शेरू जा, इनको संभाल के घर ले जा, रात को झाड़ू राउंड आता है। बस ने टैक्सी बोला यार, रात को चैनल पे मसाला फिल्में छोड़ के ये बुड्ढा कुत्ते को सुसु कराने क्यों निकला? टेल मी व्हाई। क्या मालूम है कुत्ते को? अंधा कहीं का है? उसको सब दिखता है, ये केल्विन का ट्रक ड्राइवर है। जगन, अगर हम रोड पर चलेंगे तो गाड़ियां कहाँ चलेंगी? फुटपाथ पर चलो, साइड से चलो। चलो आदित्य, धक्का मत दे मेरे को, मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। गर्ल्स जल्दी से मुंह उधर कर। अरे जगन, कंट्रोल कंट्रोल, शौचालय में जा, क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी गर्ल्स, जगन फुल टाइट है तो मैं जाके उसको टाइट सिक्योरिटी देता हूँ। ओके, दो मिनट रुको, पांच मिनट में आया। ये आदित्य, निशांति, आरती, सब लोग आओ, ये देखो। अरे आप देखो, लाइफ बन जाएगी। कुछ भी करके जा रहा है। नहीं यार, वो लोग तो नहीं देखे, तू देखना, ये देख। अगर आपका काम करने का मन है तो हमारा आपको नमन है, आपको मिलने वाला बहुत सारा धन है। चाचा ये तबला टीवी यही है क्या? अंदर पूछो, मैं पढ़ रहा हूँ। भैया ये रिसेप्शनिस्ट कहाँ है? ये झाड़ू को उल्टा क्यों ठोक रही है? रिसेप्शनिस्ट बिल्ली है क्या? बिल्ली नहीं, वो बिल्ला है, वो देख। What do you want? आया तो एकदम छाया बन गई यार। हम लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। वन बाय वन। ए पुत्पा, कोई कत्तमल आया? हम आए हैं ना सर। एतल पित्यात। तेली लंबाई दादा है, नहीं चलेगा। काला लंबा पतला,
ए पुतपा ठीक है ना? देखने में तो ठीक ठाक है, अंदर लेके जाओ। आजा। सर क्या बात है सर, इंटरव्यू को भी रिकॉर्ड करके रखते हैं। चल बैठ जा, इनके सवाल का थे थे जवाब देना। एक्शन। नमस्ते। नमस्ते मैडम, ये मेरा रेज्यूम है, इसमें लिखा है कि कौन कौन से बॉस ने मुझे कितने कितने सालों तक पाल पोस के बड़ा किया। अच्छा बताइए, आज सुबह सब कुछ अपने आप हो गया या जोर जबरदस्ती करनी पड़ी? बात फैल गई। देखिए बात आज की नहीं है, ये 3 दिन पहले हुआ था और हमको फंसाया गया था मैडम। ओ दिल चाहता है अपनी शर्ट खोल, पैंट नहीं खोलना और यहाँ पे लेट जा। क्या इंटरव्यू में इतना बड़ा सस्पेंस? अरे कहीं आप अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर तो नहीं? भाई तू समझा नहीं, मैं अब्बास मस्तान नहीं, मस्तान हूँ। और ये चूरन खाएगा ना तो रन करने लग जाएगा, अकेला भी भागेगा तो पहला नंबर आएगा। टॉयलेट में ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ। समझ गया, ये लोग टेली शॉपिंग वाले। रात वाला पोस्टर यहाँ भी लगा हुआ तिलक, ये लोग जॉब की जगह चूरन दे रहे हैं यार। इस पोस्टर को हमने गलत समझ लिया, ये टेली शॉपिंग मीडिया से भी डेंजरस है। मम्मी बचाओ मर गए। ऑफिस है ये चिड़ियाघर। अरे मालिक ये गोला था, आप तुलन के तू तुमको बीच में तोल के भागना था। सर हम लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, हम लोगों को मीडिया का बहुत एक्सपीरियंस है। सर अगर आपने हमें अपने चैनल में रख लिया तो हम आपके बहुत काम आएंगे। ओह तो तुम लोगों को काम चाहिए। हाँ सर, आजकल मेरी हालत इतनी पतली है कि मुझे चूरन बेचना पड़ रहा है, उसके बाद खाली डब्बे जमा करके उसमें फिर से चूरन भर के बेचना पड़ता है प्रॉफिट के लिए। तुम बेच सकते हो तो जॉब ले लो। सर एक बात कहूँ, आपने चूरन बेचने के लिए चैनल का लाइसेंस नहीं लिया है, प्लीज आप गलत मत समझिएगा। अरे ये नहीं तो और कुछ बेचूंगा, दुनिया में बेचने के लिए बहुत कुछ है। गोरा होने की दवाई बेचूंगा, इंसान को शरीर से ज्यादा चेहरे की फिक्र रहती है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा एग्जांपल ये मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये स्लिम ट्रिम तो है लेकिन शक्ल पे कालिक लगी हुई है। सर बेचने के लिए न्यूज भी है, ग्लोबल वार्मिंग है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है, भूखे मरते हुए किसान है, आजकल मेडिकल और स्कूल में इतनी लूट चल रही है, हम उसके बारे में बता सकते हैं। बेटा तू बड़े चैनल से आए इसलिए तुझे ज्यादा सूझ रही है, लेकिन कर्जे में मेरी इतनी सूझ गई है ना कि ये सूजन जाती ही नहीं है। और तुझे शायद पता नहीं कि कलाम साहब ने क्या बोला था। क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब घर में शांति होगी तो देश में शांति होगी, और जब दोनों जगह शांति होगी तो दुनिया में शांति होगी। समझ में आया? सर बात तो सॉलिड बोली, पर घर की शांति से पेट का क्या लेना देना, क्या कनेक्शन है इसका? अच्छा तो मैं तुझे डिटेल में समझाता हूँ। पेट साफ रहेगा तो बीवी से नहीं लड़ेगा, बीवी से नहीं लड़ेगा तो घर में शांति रहेगी, जब घर शांत रहेगा तो देश शांत रहेगा, देश शांत रहेगा तो सब प्रगति करेंगे। सर क्या बात बोली सर, मैं आपका फैन हो गया सर, मेरे को नौकरी पर रख लो। मैंने भी तय कर लिया है बच्चा कि मैं तुझे चांस दूंगा ही नहीं। जा जा बेटा कल्टी मार। अबे लाइट बनकर दिवाली है क्या? बिजली का बिल तेरी तनख्वाह से ज्यादा आता है, अगले महीने तेरी तनख्वाह से बिजली का बिल काट के दूंगा। सर 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 हम सब मिलके आपके तबला चैनल के बिजली का बिल भर देंगे। सर बेटा पहले इस तबले का चमड़ा बज बज के फट चुका है, मैं तो ये चैनल किसी को चिपकाना चाहता हूँ लेकिन कोई गिराक मिलता ही नहीं। कर्जे ने मेरे को इतना निचोड़ लिया कि अभी निचोड़ने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा, सिर्फ यही जोड़ा बचा है। एक दूसरे की शर्ट बदल बदल के पहनेंगे ना सर, ये पैदीदिली खाने वाले कुत्ते नहीं है। सर 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 आप 5 फुगड़िया तो पहले से पाल ही रहे हो, 5 और एडजस्ट हो जाएंगे ना, क्या जाएगा आपका? हमारे पास कोई काम नहीं है सर, ज़ेनवन टीवी को छोड़ने के बाद कोई भी चैनल हमें काम नहीं दे रहा। जी सर। ओ, तो बाल की दुकान ने तुम्हारी दुकान बंद कर दी। एक बात तुम्हें पता नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा है यारो, और इसके राइट्स भी मेरे ही पास है, इसलिए तुम लोग भी यही रुक जाओ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहा तुम लोगों का ऑफिस, पुराना जरूर दिख रहा है लेकिन इसमें जो जो चीजें पड़ी है उसमें से एडजस्ट करके तुम्हें इसे नया जैसा बनाना है, पगार 31 तारीख के बाद मिलेगी। अरे ये तो फरवरी का महीना, इनका मतलब क्या था? मतलब काम करो, पगाल की चिंता बिल्कुल मत करो। ए मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पर साफ सफाई करने से पहले कमर पे 2 टेटनेस के इंजेक्शन लगवा लेते। सो लिसन गाइस, हमारे पास 10 घंटे, इंटीरियर डिजाइनर बन जाओ। ये कुछ नहीं हुआ, ऊपर ही तो कर रहा हूँ। क्या हुआ? वो निकाला है। अरे, बहुत मजा ना, कैसे लगाया? बहुत हिम्मत जुटा के लगाया। अबे ऐसे सामान उठाना है? ये वर्ल्ड की बेस्ट कुर्सी, ये ले। पैसों की वजह से राजधानी एक्सप्रेस 7 घंटे लेट हो गई, जिसकी वजह से राजधानी एक्सप्रेस लेट हो गई, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है सर?
कोई झन्नाटेदार न्यूज दिखाई? कुछ सनसनी होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। चौम चौम मलाई खड़ा हो जा। हमको जानता हम कौन है? बाबू मशाई। हम रे 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 बच्चा लोग नया नया ट्रेंड को जानता है, तुम भी इनसे सीखने का चेष्टा करो। पुराना जमाना जाता है, नया आता है। आराम से उस तरफ, उस तरफ। All the best। अरे आप देख रहे हैं तबला टीवी। वाह वाह। अच्छा लग रहा है। ठीक है, कैसा है? पापा कोई है? आराम से। हाँ ये ठीक है। सेट है, सही है। लाइट्स ऑन। सही है, भिखारियों ने लाइट जला रखी है, मोबाइल के जमाने में लैंडलाइन लगा रखी है। अरे जी क्या बात है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अरे अरे ये क्या, इस काम के लिए लाइट कौन जलाता है बाबा? कोई नहीं। लगे रहो साईं। Come on, boss. Background change. Off, off, off. शाबाश। नमस्ते सर। चल। चल उधर देखिए उधर। यार शो बनाने के पैसे तो है नहीं, तुम लोग ही कोई ब्यूटी टिप का शो शुरू कर दो ना। देखो इसका मुंह, मेकअप की दुकान है। ए, चुप गई। जरा ये न्यूज तो पढ़ो। ये वही रात वाले अंकल हैं जो डॉगी को घुमाने निकले थे। ये तो पुलिस कमिश्नर निकले और ये भेस बदल कर स्मगलर को पकड़ रहे थे। और ये देखो लॉरी भी वही है। अच्छा मतलब ये अंकल अपने आप को शहंशाह समझ रहा है। ये देखिए कमोद पे बैठे, मेरे को धूल पे देके हल्के होने के लिए बाल जाना पड़ता है। अरे धारी, इसी को बोलते हैं गरीबी में अमीरी का मजा लेना। मैं तुझे लाइफ मेंबरशिप दिला देता हूँ सुलभ शौचालय की। अब जा रे। सर बैठिए ना। थैंक यू, यू कंटिन्यू। यस सर। सर जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने उन स्मगलर्स को पकड़ा, बिल्कुल उसी तरह अगर हम भी भेष बदल कर कहीं जाएं और वहां हो रहे गलत कामों को शूट करें किसी ऑफिस वगैरह में, तो हमें खबरें मिलेंगी और हम इसे अपने चैनल में दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सरकारी दफ्तर और पुलिस स्टेशन सबसे सही जगह है, am I right? हाँ बिल्कुल सर। और तिलक, तुम हमारी इन बातों को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? नहीं बॉस, ये फुटेज ZenOne टीवी का है, MLA और तिलक के इंटरव्यू का। ये वही देख रहा है जिसकी वजह से हम सबको निकाला गया था। वहाँ क्या हुआ था, मैं देख सकता हूँ? हाँ सर देखिए। अगर बुरा लग रहा तो बंद दिखाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, यहाँ देखिए। तो मुझे नेतागिरी सिखाएगा? क्यों शर्मा रही है? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसका पैगाम। तिलक क्या अजीब बात है, ये तुम्हारी ठुकाई कर रहा है और तुम चुपचाप मार खाते जा रहे हो, ऐसा क्यों? सर आत्माराम गोटे का गुस्सा मुझ पर नहीं है, कल्पना और अब्दुल पर है, जिसने उसकी फैक्ट्री के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगर आप साथ दें तो सच सामने आ सकता है। सर ये फुटेज हमने ZenOne टीवी में चोरी छुपे ली है, टेलीकास्ट किया तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता लीगल हो या इलीगल। तिलक तू आगे बढ़, मेरी फुल बैकिंग है तेरे साथ। ए तिलक तिलक वो देख, वो तो अब्दुल। हाय अब्दुल। हाय जगन। बैठ। हाय अब्दुल। आजा आजा। सॉरी तिलक, मैंने तुझे गलत समझा। मल्हार ने बताया कि स्टूडियो में क्या क्या हुआ। आई एम वेरी सॉरी। छोड़ना, भूल जा उन बातों को। कभी इस नदी में बहुत पानी हुआ करता था, पर इस फैक्ट्री की वजह से ना तो नदी बची है और ना ही तालाब। खेती का काम तो कब से बंद हो गया है। यहां तकरीबन 60 बच्चे ऐसे हैं जो बस हड्डी के ढांचे बनकर रह गए हैं। ए बेटा कपड़े धोने दे। गांव की इस हालत की जिम्मेदार ये फैक्ट्री है। गांव में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। आओ तिलक। तिलक ये मुर्गन है, हमारा साथी। कैसे हैं आप लोग? और ये है यासिन भाई। भाई ये तिलक है, यासिन भाई गांव के मुखिया हैं। भैया अगर तुम 20 साल पहले आकर इस गांव को देखते तो तालाब भरे हुए थे, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हम बस बीज छिड़क देते थे और 3 महीने में खेती लहलहा उठती थी। ये झील गर्मी में भी नहीं सूखती थी। ये धरती इंसान तो क्या, परिंदों के लिए भी स्वर्ग थी।
पर अब इस फैक्ट्री से जो रसायन नाले में जाता है उससे कई बीमारियां फैल गई हैं। बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं। बेटा एक समय था जब यहाँ पे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के फिल्मों के गानों की शूटिंग होती थी। सर पहले हम लोग यहाँ मच्छी पकड़ने के धंधे में लाखों रुपए कमाते थे, अभी तो यहाँ एक मेंढक भी देखने को नहीं मिलता है। जहाँ कभी सागर की डिम्पल कपाड़िया पानी से निकलती थी वहाँ भूतिया फिल्में बनती हैं। बिल्कुल, ये फैक्ट्री जो केमिकल छोड़ती है उसे आर्सेनिक कहते हैं, जो जमीन के नीचे के पानी में चला जाता है और उस पानी को पीने से यहाँ के इन छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग बीमारियाँ हो जाती हैं। सर ये लोग सिर्फ कहानी बना रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब करीबी रिश्तेदारी में शादी होगी तो बीमारियाँ तो होनी ही हैं, इसलिए ये बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं। सर वैसे सरकार ने आपको कितने पैसे दिए ये बकवास करने के लिए? मसला था तू यहाँ टीवी वालों को क्यों लेके आया? भैया ये फैक्ट्री की मेहरबानी है जो हम गाँव वालों को नौकरी मिल गयी। एमएलए धर्म जी ने मस्जिद के लिए 2 लाख रूपए का चंदा दिया है और मंदिर में भी दान पुण्य करते हैं। अगर झील सूख गई है तो पीने के पानी के लिए कुआं खुदवा के नहीं दिया है क्या? कासिम चुप कर, उसे तू कुआं कहता है जिसका पानी जहरीला है, और एमएलए से पैसा खाकर तू फैक्ट्री का साथ दे रहा है, जितने में खुद को बेचा है। बेटा कासिम तूने चंद रुपयों के लिए हमें बेच दिया, तू जैसा करेगा ना वैसा ही भरेगा, अल्लाह करे तू जन्नत में जाए। कासिम भाई हमें समझ में आ गया कि वो एमएलए धर्म हमारा ही मांस नोच कर हमें ही खिला रहा है, अब जाइए यहाँ से, निकल जाइए। ए इधर दिखा रहा तो तेरा जा भगा सब लोगों को, चल निकलो इधर से, ए चल निकलो इधर से, निकलो मत मार, भीड़ लगा क्या, भीड़ लगा के रखा है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब से डिजिटल का जमाना आया जिसको देखो कैमरा उठाकर शूटिंग करना शुरू कर देता है, फैक्ट्री से तुम लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसे ही बंद करवाना चाहते हो। अगर हर बात का विरोध करोगे तो तरक्की कैसे होगी, कभी सोचा तुम लोगों ने? सर गांव के बच्चे मर रहे हैं, ऐसी तरक्की का क्या फायदा? मतलब ये फैक्ट्री से हो रहा है जिसको देखो आजकल केमिकल केमिकल कर रहा है। मेरे को एक बात बता, टॉयलेट गंदी होगी तो क्या दूध से धोएगा? सही बोले सर, अगर आपके पैर नासूर हो गए तो पैर को तो काटना पड़ेगा ना सर। ए तू मीडिया वाला है ना, वहाँ देखा नहीं बोर्ड लगा शूटिंग नहीं करने का? चलो निकलो, निकलो यहाँ से, जाओ जाओ, चलो जाओ। एक सवाल है सर। सर एक जवाब तो चाय पानी मिल गया। बंजर जमीन पर फैक्ट्री लगाना गलत नहीं है, पर ये झील तो किसी की नहीं है ना सर, तो केमिकल झील में क्यों आता है? ये तो गांव की है ना सर। और सर ये बताइए फोटो नहीं लेने का ये नया रूल कहाँ से है? नेचर पर सबका अधिकार है। तेरे चैनल का तबला बजने वाला है, अबे मुझे रूल सिखाएगा? चल निकल इधर से, जा। ए क्या रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ बंद कर इसे। ए सबको ले जाके लॉकअप पे डालू क्या? चल चल आ जा, जा। थल फोन। हाँ बोल। मुझसे पंगा ले रहा क्या डमरू? पंगा भी लूंगा और तुझे नंगा भी करूंगा, अब मतलब की उल्टी कर। वार्निंग दे रहा हूँ तुझे, मेरी फैक्ट्री की अगर गलत न्यूज दिखाई तो चैनल बंद हो जाएगा तेरा, समझा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं नकली को असली और असली को नकली नहीं दिखाता, जो सच है मैं बस वही दिखाता हूँ। मैं टीआरपी का नहीं हकीकत का सेवक हूँ, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा धमकी दे रहा है? डमरू बजेगा तेरा। अबे चिलगोजे के छिलके तू और केल्विन जेल में रहेंगे घुल मिल के। अभी ट्रक भर के आदमी आता हूँ, वही रुक दो। मैं बात करता हूँ। बात करने की तमीज नहीं इसको। सुनो मिस्टर डमरू, चोरी से किया हुआ हमारा स्टूडियो वाला शूट अगर ड्रैगन फैक्ट्री से जोड़ा तो मैं मानहानि का केस करके तुम्हारा डमरू बजाएगा। सर मैं बात करूं? केल्विन भाई गुड इवनिंग। तिलक जैसी आवाज लग रही है ना, तिलक ही हूँ। उस वीडियो क्लिप को दिखाते ही तेरे चैनल की धज्जियां उड़ जाएंगी। अगर अपने हाथों अपनी इज्जत उतारनी है तो केस कर ले, कोर्ट में तुझे बंदर की तरह नचाऊंगा। पता है कैसे? छन पकैया छन पकैया छन पकैया छन, पड़ेंगे भटके पड़ेंगे भटके, पुलिस वाले उल्टा लटका के देंगे भटके। मीडिया और नेता आपका भला भी कर सकते हैं और साथ ही आपको तबाह भी कर सकते हैं। एमएलए धर्म ने गैर कानूनी तरीके से एक फैक्ट्री लगाई और लालच में मीडिया ने भी उसका साथ दिया, जिसकी वजह से कई गांव तबाह हो गए। धर्म जैसे गुंडे और घिनौने इंसान ने कई अपराध किए हैं, उसे बड़ी बेशर्मी से गरीबों का हीरो बनाया गया और ये काम एक जाने माने चैनल जेन वन टीवी ने किया, लेकिन कोई इसके लिए आवाज नहीं उठा। ये सब न्यूज चैनल वाले चैनल बदल दे। ठीक है बदल दीजिए, कल्पना आपकी कोई नहीं लगती, आप इस झंझट में क्यों पड़ेंगे? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि ये देश मेरा घर है। अगर आज हमने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो शायद कल हम ही उसका शिकार बने। मैंने जेन वन टीवी में रहते हुए कई बार उनका पर्दाफाश करना चाहा। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक वीडियो दिखाऊंगा।
ये कैसे आत्माराम गोटे, सॉरी मतलब एमएलए धर्म, एमएलए से एक गुंडा लड़ाकू कैसे बना? आपने जिन्हें मारा है उन सब की लिस्ट है मेरे पास। हाँ, मारा मैंने लोगों को, क्या कर लेगा तू? और उस एमएलए धर्म के अत्याचार के खिलाफ जब अब्दुल और कल्पना ने आवाज उठाई तो उनकी हालत बद से बदतर कर दी। क्या करती है सरकार? जिंदगी से भरपूर कल्पना जो अपने होश और हवास खो बैठी है। आंदोलन में नारे लगाने के लिए ये सबके साथ खड़ी होती थी, लेकिन जब पुलिस और गार्ड लाठी चार्ज करते थे तो ये सबसे आगे बढ़कर वार छेड़ती थी। अभी जो फैक्ट्री आपने देखी वो जहर उगलती है, सिर्फ और सिर्फ जहर, और उसी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से ही उन्होंने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। एमएलए धर्म के पैसों पर पलने वाले डॉक्टर्स ने इसे गलत दवाइयां दी जिससे इसकी ये हालत हो गई, और उन डॉक्टर्स से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई है। ये उसी धर्म का किया धरा है। केल्विन, क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट्स कमीशन के सपोर्ट से यहाँ के पानी के सैंपल्स हमने यूनेस्को के लैब में टेस्ट के लिए भेजे हैं। उसके रिजल्ट्स जल्दी ही आ जाएंगे, तब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, जिस गंदगी में हम सब लिपटे हुए हैं। चलिए मिलकर उसे साफ करें। सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट करने से एक पैसे का भी फायदा नहीं होने वाला है। हमें खुद वहाँ खड़े होकर इनसे लड़ना होगा। अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने होंगे। उन्हें हमारी आंखों में आग दिखनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो हम हमेशा के लिए उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। ये नहीं हो सकता। हम उन दरिंदों को उनके गुनाहों की सजा दिलवा कर रहे। इस आंदोलन में आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद। जागरूकता और बदलाव लाने में मीडिया की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन जब मीडिया ही टीआरपी की लालच में पड़ जाए तब क्या होगा? अगर हम जात पात के नाम पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम पर बन गए तो क्या होगा? हम सब बिखर जाएंगे। हम एक साथ मिलकर ही इस भ्रष्टाचार को रोक पाएंगे। लेकिन ये मेरे सिर्फ अकेले से नहीं होगा, बल्कि आप सबको भी जागरूक तो होना होगा। नमस्कार, जय हिंद। ए केल्विन, अगर मेरे को एक खून भी माफ होता ना तो सबसे पहले मैं तेरा खून करता। ये सब तेरी वजह से हुआ है। अब तू ही सब कुछ सेटल करके दे मेरे को। तैयार है ना? सबको तैयार कर। चुप रहे। वो मेरे सर के ऊपर नाचेगा और मैं देखता रहूं? मेरे को गांधी मैदान समझा क्या? देखो डरम, सारा शहर तुम्हारा इस लफड़े को अच्छी तरह से जानता है। अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो उस पर इंक्वायरी बैठ जाएगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मैं किस लिए है? देखना डरम, कैसा मैं उनका हर चाल को मिट्टी में मिलाता हूं। बोल वचन नहीं चाहिए, बस दो दिन का टाइम दे रहा हूँ। अगर तूने सब कुछ सेटल नहीं किया तो लॉरी सबसे पहले तेरे ऊपर चढ़ेगी। सोच ले, फिर मेरे को मत बोलना। हेलो तिलक, तुम अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हो। हीरा कभी भी अपनी खुद की कद्र नहीं जान सकता। हाँ सही बोली। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे, तुम बस वापस आ जाओ। ओ वाव, 5 लाख पर मंथ। भावना, एकदम सही टाइम पे फोन किया। एक आया की जरूरत थी जो झाड़ू पोछा और साथ में मसाज भी करे। क्यों, करेगी क्या? कुत्ते के दुम टेढ़ी की टेढ़ी। कौन था? भावना थी। अच्छा, 5 लाख महीना। मुझे भी कॉल आया, ऑफर दी। अच्छा, क्या कहा? आंटी की खूब क्लास ली। अच्छा, तुमने? मैंने उसे यहाँ बुलाया है। नहीं नहीं, गलत समझ रही है तू, उसे झाड़ू पोछे का ऑफर दिया है। वैसे भावना हरी भरी है। हा? अरे क्या हुआ, चल गए। गुड मॉर्निंग पुष्पा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम लोग तो नहीं गए? कहाँ, तुम्हारे दोस्त लोग तो दैंती भी चले गए ना। ये चुप रे रारी, ये उनका फॉल्ट नहीं है। बगुले उसी तालाब पे जाते हैं जहाँ मछलियाँ होती हैं। बोल के जाते तो फेयरवेल पार्टी देता। सर, ए जगन, जगन को बुलाओ। उसको क्या आवाज दे रहा है, वो तो सबसे पहले गया। क्या? I can't believe this। निशांति और आरती भी चले गए, तो तू क्यों नहीं गया? हम क्यों जाएंगे, हमको तो फोन नहीं आया। तिलक सर, इधर आ। वो क्या है ना, मैं तुम लोगों को इतनी सैलरी नहीं दे सकता। तुम भी जाना चाहो तो जा सकते हो। ओके सर, मैं वैसा नहीं हूँ सर। अच्छा लगा तुम्हें देखकर, क्या हालत हो गई। देखो ना। अच्छा अशोक, इन लोगों की पोस्ट अपग्रेड होनी चाहिए, बाकी बात के बाद। ए जगन, ये क्या किया तू? इतना लालची कब से हो गया? जब से तरक्की मिली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, तनख्वाह पता है 80,000 रूपए बिना TDS काटे। वहाँ पे मिलेगी क्या? अरे छी, तुझे शर्म नहीं आती? अरे डमरू सर ने हम लोगों पर भरोसा किया और तू उनके भरोसे को तोड़कर चला गया। देख भाई, तुझे उन पर विश्वास है, मुझे इन पर विश्वास है। दोनों की भलाई इसी में है कि मैं यहाँ वफादारी निभाऊं और तू वहाँ वफादारी निभा के चिल्लर कमा के खुश रहे, ठीक है ना? चल फोन रख। अरे हमरा, अरे हट, बस कर रे।
सर, टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में धमाका हुआ है, हम भी उसके ऊपर कुछ न्यूज बनाते हैं। नमस्कार, आज शाम 4:30 बजे टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई और इस हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट ऑफिस को भी भारी नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस घटना की FIR दर्ज कर ली है और इसका वास्ते हम कवरेज के लिए बाहर नहीं जाता। टनकपुर से इस दर्दनाक हादसे की हमारे पास CCTV की कुछ तस्वीरें हैं। Zen1 TV को शक है कि यही वो व्यक्ति है जिसके सूटकेस में बम हो सकता है, लेकिन ये कौन है और इस सूटकेस में क्या था? इस सवाल की खोज करने पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिस आदमी ने वो सूटकेस कलेक्टर ऑफिस में किसी खास जगह छुपा कर रखा था, वो एक खतरनाक आतंकवादी है और उसके संबंध तालिबान से बताए जाते हैं। ये तो अब्दुल जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन जब वो मेंढक के माफिक टीवी पे फुदक रहा था, हमको लगा वो आतंकवादी है। हाँ बोलो तिलक। ए अब्दुल, टनकपुर के कलेक्टर ऑफिस में बम फटा है, मीडिया इसके लिए तुझे जिम्मेदार ठहरा रही है। क्या कह रहा हूँ, अभी आधे घंटे पहले ही मैं वहाँ गया था, लेकिन देख मुझे सफाई मत दे, मुझे तुझ पर भरोसा है। एक काम कर, तू पुलिस स्टेशन जा और उन्हें सच बता दे मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊँगा तिलक। जितना बोल रहा हूँ उतना कर अब्दुल, तुझे फंसाया जा रहा है। ये MLA और केल्विन की एक चाल है। जानकारी के अनुसार उस आतंकवादी का नाम अब्दुल बताया जा रहा है। प्लीज मेरी बात मान ले। ए, तू टेंशन मत ले, अपने जाफर भाई संभाल लेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, जा भाग यहाँ से। अरे वाह केल्विन, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा खिलाड़ी निकला तू। ब्रेकिंग न्यूज में ही अंगार लगा डाली तूने। अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी हर ओवर में कोई ना कोई विकेट डाउन होएगा डरन। पूरा टेक ऑफ सही है, हर बॉल पे सिक्सर लगना चाहिए, पूरा मैच एक्स का डाल छोटे। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। सर, वी हैव फ्रेश अपडेट। जिन आतंकवादियों ने कलेक्टर ऑफिस में ब्लास्ट किया था, उन्होंने ही टनकपुर पुलिस स्टेशन में अटैक किया है। ओके अशोक सर, एक बात का ध्यान रखना, सबको चास्टी लगना मांगता है, समझ गए ना? गो 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 गो। ओके सर। क्या चाहिए? लेकिन ऐसा करना ठीक होगा क्या सर? पटेल तुम देखते जाओ हम क्या करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। अब्दुल अटैक की न्यूज रेडी है क्या? सर 5 मिनट और। ए, ये लोग तो धीरे चल रहे हैं, स्पीड बढ़ा, लगना चाहिए गुस्से में है। ओके सर। और इनके अंदर घुसते ही गोली की आवाज चाहिए मुझे। हेलो अशोक, फुटेज रेडी हुआ? सर 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 वही कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। जल्दी करो साहब, ये जो अब्दुल है वो IS का आतंकवादी है, वो गांव में ना। सर एक मिनट सर। ए, आगरा से आए क्या तू? जब वो जेब से पर्ची निकाल रहा है वो सीन काटना इतना समझ में नहीं आता? काट जल्दी, नहीं तो सैलरी काटूंगा। ये अब्दुल ना मस्त पतंग उड़ाता। एक मिनट सर, आतंकवादी था शायद। कहां से पकड़ लाए? हम लोग पकड़ में आ जाएंगे। सर जो अब्दुल है ये ICICI बैंक का एजेंट है और उनके लिए इंश्योरेंस बेचता है सर। अब देखिए, कोई अच्छा आर्टिस्ट पकड़ना चाहिए था, ये किसको पकड़ा है तूने? हाँ ये जो अब्दुल है ये आए। ठीक है सर, रेडी सर। ये जो अब्दुल है ना ये ICICI का आतंकवादी है और उन्हीं का ही एजेंट है सर। ए, ये क्या कटिंग की है तूने? मैं तो कहता हूँ एडिटर नहीं नहीं बन जा तू, कंप्यूटर पर आड़े तेड़े वीडियो देखता रहता है। अरे वो फाइनल फुटेज तैयार है। हो गया, रेडी रेडी हो गया सर। आप और अब बम ब्लास्ट से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल और उसके साथी टनकपुर के घने जंगलों में जाकर छुप गए हैं, ये सूचना हमें वहाँ के लोकल लोगों ने दी है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। भागने से पहले अब्दुल और उसके आतंकवादी साथी टनकपुर पुलिस स्टेशन में घातक हथियारों के साथ घुस गए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। सर, ये शॉट पास किया गया। गोली चला दी। सर, CCTV कैमरा में साउंड रिकॉर्ड नहीं होता। अरे मैं जब हमने वहाँ के थाना इंचार्ज पाटिल से बात की तो उन्होंने ये खुलासा किया। अब्दुल और उसके साथी पहले से ही कई देशद्रोही कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। उस खतरनाक आतंकवादी अब्दुल को पकड़ने के लिए हमारी पुलिस फोर्स दिन रात लगी हुई है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर जो अब्दुल है वो ISIS आतंकवादी ग्रुप का एक एजेंट है। उसने मुझसे भी कहा था अगर तुम जिहाद करोगे तो हूरे मिलेंगी, लेकिन मेरी तो शादी हो गई थी। अगर उसी दिन मैंने उसे पुलिस को पकड़वा दिया होता तो आज पूरी कौम को इस तरह शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। छे आतंकवादी अब्दुल के बचपन के दोस्त ने हमें आगे बताया कि सर मुझे जाना पड़ेगा। ए अब्दुल संभाल के, आराम से आराम से। ए मुरुगन, उन्होंने हम तीनों को आतंकवादी बना दिया पर तुझे नहीं, तो तू हमारे लिए अपनी जान खतरे में मत डाल, तू निकल यहाँ से। मुरुगन जा यार। अब तू मैं ऐसा क्यों चला जाऊँ? क्योंकि मैं तेरे धर्म का नहीं हूँ? तू पूरे गांव वालों के लिए लड़ रहा है, अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई परवाह नहीं, हम साथ मरेंगे। ऐसा क्यों कर रहा है? से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये क्या हो रहा है? चेकिंग, ये लोग अब्दुल को ढूंढ रहे हैं। अगर अब्दुल इन्हें मिल गया तो? ए रुको, मिल गया तो उसका बचा। नाकाबंदी, आगे नहीं जा सकते। ओ रुको रुको गाड़ी रुको।
पीछे ऑफिसर ने रोका था ना तो गाड़ी रुकाई क्यों नहीं सर? मीडिया से हो तो क्या हुआ? आगे जाने बहुत जरूरी काम है सर, प्लीज बात सुनिए। आपका ऑर्डर है, आगे जा सकते हैं आप लोग। सर समझने की कोशिश कीजिए, कुछ पैसे ले लीजिए। चलो हटो हटो, पीछे हटो, जाओ उधर। हमें ये भी पता चला है कि आतंकवादी अब्दुल का ग्रुप दूसरे कई देशों से भी जुड़ा है। इसी टनकपुर के जंगल के 5 किलोमीटर के दायरे में अब्दुल और उसके आतंकवादी साथी कहीं छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस की खोजी टीम चप्पल छान रही है। राशिद, अब्दुल कहाँ है? मेरे साथ चल, बताता हूँ। कट कट कट, ले 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 ले, माइक पकड़, कैमरा मुझे दे और तू यहीं रुकना। आओ इस तरफ। अब्दुल डरो मत, हम लोग हैं। अरे अब्दुल, ये तुम्हें क्या हुआ? ए अब्दुल, तू ठीक तो है ना? चल जल्दी चल हॉस्पिटल, चल चल आजा। तुम्हारे कहने पर मैं पुलिस स्टेशन ये बताने गया कि बॉम्ब ब्लास्ट में मेरा हाथ नहीं है, पर उन्होंने कुछ बोलने ही नहीं दिया, गोली चला दी। मैं किसी तरह से वहां से भाग निकला क्योंकि आतंकवादी नहीं हूं मैं। अब्दुल मुझे पता है तू गुनेगार नहीं है। अब्दुल हमारे साथ चलो, मैं बयान दूंगा। प्लीज अब्दुल, तुम लोग कैमरा तो लेकर आए हो ना? वो सब बाद में, पहले हॉस्पिटल चल तू, चल तुझे गोली लगी है, चल। आशो पाटिल साहब, अब्दुल और उसकी गैंग एलिफेंट रॉक के पीछे है, जल्दी आ जाओ। ए चल चल जल्दी। रेडी है ना? हाँ रेडी। मैं कलेक्टर ऑफिस जरूर गया था, पर किसी को मारने नहीं बल्कि प्रूफ देने गया था कि धर्म की ग्लोबल ड्रैगन फैक्ट्री लोगों को जान से मार रही है। मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो मेरे हाथ में एक सूटकेस था। उस सूटकेस में हमारे वाटर सैंपल्स के टेस्ट रिजल्ट्स थे। रूम में 4-5 लोग बैठे थे, कलेक्टर ने हमें अंदर बुलाया। इससे पहले कि मैं टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में कुछ कह पाता, उन्होंने हमारा सूटकेस छीन लिया। कहने लगे यहाँ की हवा पानी पसंद नहीं है तो देश बदल लो। पर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मेरा भी मुल्क। पार्टीशन के बाद इंडिया अकेला देश था जिसमें हर धर्म के लोग एक साथ रहते थे, पर हम मुसलमानों को ये सहूलियत थी कि हम हिंदुस्तान चुने या पाकिस्तान। हमें हमारे हिंदुस्तान से मोहब्बत है, यहाँ के लोगों पर हमारा पूरा भरोसा है, हम यहीं पर महफूज हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और इसी मुल्क में रहेंगे। हाल ही में जब बाढ़ आई थी तो हमें कई मंदिरों में पनाह मिली थी, हमने भी सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। तब तो मीडिया को हमारे मजहब से कोई एतराज नहीं था। मैंने एक पॉलिटिशियन के खिलाफ क्या बोल दिया? उन्होंने मुझे टेररिस्ट बना दिया। लोगों तक हकीकत पहुंचाने के बजाय उसे सनसनीखेज बनाने के लिए मीडिया गुनहगार है। किसी भी न्यूज को न्यूज स्टोरी बनाने के लिए उसमें झूठ मिलाया जाता है। मीडिया की सनसनी और टीआरपी की भूख ने मेरे जैसे कईयों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस वारदात के साथ मेरे मजहब को छोड़कर मुझे टेररिस्ट बना दिया। लेकिन अगर कोई टेररिस्ट है तो वो ये मीडिया है। जब आज का जवान नाइंसाफी के खिलाफ लड़ता है तब ये कॉर्पोरेट अपना असली रंग दिखाते हैं। वो इनकी एकता को दलित, नक्सलाइट और माइनॉरिटी में बांट देते हैं। लेकिन जनता जाग गई है, वो असली और नकली का फर्क समझती है, वो सब कुछ जानती है। वो मुझे मार देंगे, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी मौत बेवजह नहीं होनी चाहिए। जल्दी
अब्दुल हिम्मत रख अब्दुल, तुम जाओ यहाँ से। निशाना तोड़, निकल जाओ, तू भाग यहाँ से, जाओ यहाँ से। चलो अदिति आ जाओ। अरे चलो जल्दी चलो। वेंकट गाड़ी में कोई है क्या? हाँ देखा तो निकाल बाहर उसको। चल निकाल, निकाल निकाल, चल 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 आ जा बाहर। ए इधर भी कोई है, निकल चल बाहर, बाहर चल। ए पीछे हट, पीछे हट, बंटी हट, बंटी हट पीछे। सब 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 तो गोली लेके जाओ। ए खड़ा इसको, सब मेरे तो ले चल, इसको चल बंटी। ए चिल्ला मत बंटी। सिग्नल मिल रहा है, ये अब्दुल का माइक है, लगता है आसपास ही है। अशोक वो वीडियो जस्ट हमको मिला है, तुम्हारा प्रमोशन हो गया सर। थैंक यू सर। अभी देखो उस तबला टीवी का तबला हम कैसा फाड़ता है। जनकपुर की जिन दो सरकारी बिल्डिंगों पर आतंकवादी हमला हुआ था उसमें अब्दुल और उसके साथियों के अलावा कुछ और लोगों के भी शामिल होने की जानकारी मिली है, जिसके फुटेज हमारे पास है। इससे ये पता चलता है कि इनका कनेक्शन तबला टीवी से है। मिली हुई फुटेज में आतंकवादी अब्दुल और उसके साथियों के अलावा तिलक और मल्हार नाम के दो और टीवी रिपोर्टरों को देखा जा सकता है, जो इन आतंकवादियों को पुलिस से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फुटेज को हमारे विशेष संवाददाता अशोक ने रिकॉर्ड किया है। आतंकवादी अब्दुल को भगाने वाला ये तिलक तबला टीवी के लिए काम करता है। क्या सरकार तबला टीवी को आतंकवादियों का साथ देने के चलते बैन करेगी? क्या उसके बारे में कैसे किया? वो देखो अब्दुल, अब्दुल अभी इस गेम को खत्म करने का है। अभी हमारा न्यूज चैनल का न्यू एडिटर टोम है। अशोक क्या हो गया? बिना इमरजेंसी ब्रेक का है तुम्हारा? और वे अशोक व्हाट हैपन, क्या चल रहा है उधर? ए मेरा से बात करो। ए सर एक मिनट सर। अब्दुल, अशोक, मेरी बात सुनो। कैसा है उधर? मेरा अब्दुल से कोई संबंध नहीं है। मुझे पहले बोलो। सर ये लेटेस्ट न्यूज है, इसे पढ़ दीजिए। अभी अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। जैन वन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता अशोक को खतरनाक आतंकवादी अब्दुल ने अगवा कर लिया है। संभावना ये भी है कि अशोक को बहुत बेदर्दी से मारा गया है। साथ ही ये भी खबर मिली है कि रौनक नाम के एक आदमी को अब्दुल एंड गैंग ने मार दिया है, क्योंकि वो उन्हें रोक रहा था। हर पल बदलती हुई सनसनी में अगला पल क्या होगा, लोग ये जानने के लिए बेकरार है। अब्दुल की मांगे क्या है? आप सब हमारे साथ बने रहिए। क्या हमारा साथी बच पाएगा या अब्दुल उसे भी मार देगा? क्या आतंकवादी अब्दुल पकड़ा जाएगा? ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। राज्य की पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। जैन वन टीवी के पास इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज है कि आतंकवादी अब्दुल और उसके गैंग को कैसे घेरा गया। इस घेराबंदी में पहले पुलिस के साथ अब्दुल और गैंग के बीच लगातार गोलियां चली, जिसमें वो खतरनाक आतंकवादी मारा गया। जैन वन टीवी की अपनी खोजी पत्रकारिता की जानकारी के मुताबिक ही राज्य की पुलिस इस आतंकवादी को मार पाई, और इस शानदार काम के लिए जैन वन टीवी को हर तरफ से सराहना मिल रही है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे अरे जवाब दे, आइए आइए तो क्या हुआ हमारे साथ? सर बैठिए, आराम से बैठिए। सर बोलो रामन, आपने जो अब्दुल को मारने का पूरा नाटक रचा था ना, उसको तिलक ने पूरा शूट कर लिया है। What? और वो फुटेज एडिटिंग रूम में है। हेलो, ये क्या खेल खेल रहा है? तिलक का लाया हुआ फुटेज टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें कैसे पता चला? बाल का काल मत निकालो, नहीं तो गंजा हो जाएगा। चलो खुल के बात करते हैं। वो फुटेज मैं खरीदेगा। नहीं नहीं, एंटायर चैनल खरीदेगा। दाम बताओ। बोलो डामरू,
Come on, अपना कीमत बता। तुम कितना दे सकते हो भाई? 50 सीआर। वो फुटेज टेलीकास्ट नहीं करना, ऑलराइट? बस इतना ही बॉस। मेरे जैसे हाथी का मुंह बंद करने के लिए 50 खोके? अगर ये टेलीकास्ट हो गया ना तो सोच ले, तेरे अरबों खरबों का बिजनेस ना मिट्टी में मिल जाएगा। 100 सीआर एक साथ 100 करोड़। चैनल प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, तुम्हारा पुराना फिल्म का राइट्स, सब चाहिए। मैं और मेरा लॉयर तुम्हारे ऑफिस में 15 मिनट्स में पहुंच रहा है, लेकिन उस फुटेज में से एक फ्रेम भी किसी को दिखाना मत। इसका गारंटी चाहिए मेरे को। ओके ओके ओके। 100 करोड़, उसमें से 10 तू ले लेना, 10 तू ले लेना। लाइफ सेट हो गई, सबकी लाइफ सेट हो गई। 5 रिसेप्शन पे बांट दूंगा, 5 ये चाचा और उनके दोस्तों को बांट दूंगा, सबको बांटती रहूंगा। अरे धारी, सब लोग बाहर निकलो रे, एडिटिंग रूम को ताला लगाने का है। ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज सर। सर, सारे की किराए पर पानी फिर जाएगा। सर सर, एक बार फिर सोचिए, हमने बहुत मेहनत की है सर। आप उस धोखेबाज को अपना चैनल बेचेंगे? सही कहा, वो धोखेबाज है, लेकिन तिलक, पत्ते एक साथ नहीं खोलने चाहिए, वक्त पे पत्ते खोलने चाहिए, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ा बादशाह है। वाह, चिमगादड़ चमड़ी बदलता है, हमें पैसे लेके बदलना पड़ेगा। तो आपका ये प्लान था? मैं तो डर ही गया था। अरे वो बड़े वाले ने अपना खबरी रखा है यहाँ पे। सर आपको भी पता था? तिलक, तेरी तरह उल्लू की आंखें मैंने भी लगवा ली है, जो अंधेरे में देख सकती है। सही है सर, पर उसे कैसे हैंडल करेंगे? वही सोचना पड़ेगा। इस रूम में कहीं हम लोग एक कैमरा छुपा देंगे, वो जो भी बातचीत करेगा उसे रिकॉर्ड करके हम टेलीकास्ट कर देंगे। सर वो बहुत चालाक है, हमारी चाल को समझ जाएगा। तुम्हारे पास कोई नया आइडिया है क्या? नया आइडिया तो नहीं है सर, लेकिन नए पर भी भारी है। सर वो सारी वीडियो क्लिप्स एडिट की गई हैं, वो एक ड्रामा है, सब स्क्रिप्टेड है, सब झूठ है सर। सर एक सेकंड, मिनिस्ट्री लेवल से फोन आया है, वो चैनल ब्लैकआउट करने जा रहे हैं। समझो के जनवन टीवी से केल्विन आया है। सर प्लीज, केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी के आरोप को देखते हुए तबला टीवी को ब्लैकआउट करने का आदेश दिया है, और सरकार इस मामले पर लीगल कार्यवाही भी करने जा रही है। उन्होंने ये बात एक प्रेस रिलीज के तहत बताई है, और उस प्रेस रिलीज में आगे ये भी कहा गया है कि वो देखेंगे कि आगे कोई और। सर तबला टीवी का टेलीकास्ट बंद हुआ है, आतंकवादियों से संबंध रखने की वजह से मिस्टर डबरूलाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। नमस्कार, एडिट रूम किधर है तुम्हारा? आइए। साजिश में शामिल तिलक और अदिति अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। हिंदुस्तान के टीवी इंडस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि कोई टीवी। डैनियल, उधर कोई गुस्सा नहीं मांगता है। ओके सर। शक तो ये भी जाहिर किया जा रहा है कि मिस्टर डबरूलाल को हवाला के जरिए विदेशों से। नमस्ते तल, मेरा नाम लामधारी, पिताजी का नाम इत्ताधारी, पोलियो ऑपरेट की सफाई मैं करता हूँ। तल तल, पता नहीं कौन आया है। अरे आइए आइए। हाय डम्रू, नमस्ते, बैठिए। आई एम रामचंद्र, सैन वन टीवी का वकील और लीगल एडवाइजर। सही बोलेगा तो हमको किसी पे भरोसा नहीं, तो कोई भी अपना फोन यूज नहीं करेगा। सर पहले ये देख लें कि उस फुटेज की कॉपी करके इन्होंने कहीं और छुपा तो नहीं दी है। फुटेज एडिटिंग रूम से किधर भी नहीं जाएगा, उधर ही रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इस जगह का निगरानी के लिए मैंने एक स्मार्ट चूहा छोड़ के रखा है। अग्रीमेंट हो, ये वही अग्रीमेंट है जो हमारा फोन पे बात हुआ था, मैंने साइन किया है, तुम साइन करो। आज तबला बज उठा, 100 करोड़ में इतने जीरो होते आज पता चला। ये अनपढ़ों के ऑफिस में एक पढ़े लिखे के लिए पेन में नहीं है, पेन लेके आ रहे। तल पकड़िए। चलो काम हो गया, थैंक यू जी, थैंक यू। कैल्विन कंधा थे, कैल्विन का बाल का दुकान है, कैल्विन का शक्ल बेवड़ा जैसा है। डमरू ये क्या मजाक है? मेरे कैल्विन सेट का बच गया ढोल। स्टॉप, किस किस को स्टॉप करेगा बे? कटिया है तो अभी तो सिर्फ हलक में लायो, अब देख तेरा उठना बैठना बंद करूंगा। फ्रॉड है तुम। बेटा तू नो बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने बिना बॉल के छक्का मार दिया। तूने मेरा चैनल ब्लैकआउट कराया ना, अब देखते जा मैं क्या क्या ब्लैकआउट करता हूँ, तेरी इज्जत और ईगो भी। तूने क्या मुझे पप्पू समझ कर रखा है? ओ केल्विन सेठ, अभी ब्रेकिंग न्यूज बाकी है।
तूने तो हमारे चैनल में चूहा छोड़ा था और हमने तेरे चैनल में बब्बर शेर। जगन किसी को पता नहीं लगना चाहिए। अदिति तुम सिर्फ निशांति को फोन करोगी और निशांति तुम सिम बदल कर पटेल सर से कांटेक्ट में रहना। हेलो बोल डमरू। ए बापू गेम शुरू कर ले। ओके यहीं पर बैठा है जा, तेरा ऑर्डर आ गया, ठंडा हो जाएगा। हाँ जा रहा हूँ। जा, खाने को इंतजार नहीं कराते। अरे बोला ना तू, जा मैं सब संभाल लूंगा। अरे जा, खा गया। अरे लाइव है तो क्या हुआ, मैं देखता हूँ ना यार, जा तू। कुछ प्रॉब्लम मत कर देना। खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम के तहत राज्य के खेल मंत्री स्टेडियम में एक समारोह, किसानों ने कर्ज माफी के लिए एक विशाल मोर्चा निकाला है जो विधानसभा पर जाकर खत्म हुआ। नदी में गिर गयी जिसमें 15 लोग घायल हो गए। जब ये बस नदी में गिरी तो वहाँ कई लोग कपड़े धो रहे थे, उन्होंने मुसाफिरों की जान बचाई और नजदीकी अस्पताल। आतंकवादी हमले से जुड़ी अभी अभी हमें एक खास फुटेज मिली है जिसमें आतंकवादी अब्दुल ने तबला टीवी को दिए ताज़ा इंटरव्यू में खुद को बेगुनाह होने की बात कही। मैं कलेक्टर ऑफिस जरूर गया था, पर किसी को मारने नहीं बल्कि प्रूफ देने गया था कि धर्म की ग्लोबल ड्रैगन फैक्ट्री लोगों को जान से मार रही है। मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। सर आपने न्यूज क्यों चेंज कर दी? ये जरूरी है, कुछ नया डेवलपमेंट है। बल्कि प्रूफ देने गया था कि धर्म की ग्लोबल ड्रैगन फैक्ट्री सर लोगों को जान से मार रही है। ये तो हमारे चैनल के खिलाफ बोल रहा है। ऑफिस पहुंचा तो मेरे हाथ में एक सूटकेस था। सर ये वीडियो आपके पास कहाँ से आया? सर हमें इसे टेलीकास्ट नहीं करना है। तू तेरा काम कर, चल निकलने। सर ये गलत है, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अरे राजा हट, न्यूज स्टॉप कर। सर आपके चैनल को भी ठंडी लग गई, कैसा हो गया? फोन दो, अभी सबका टाइम बचा है। हमको जो बिठा सके वो किसी के बाप में दम नहीं है। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। अभी आएगा मजा। जगन ये हमारे प्लान को पीसीआर रूम से बदलने की कोशिश कर रहा है, तू ध्यान रखना। आ, मैं देखता। वो मुझे मार देंगे, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी मौत बेवजह नहीं। बालक बैठ के देख, तू ज्यादा समझेगा। हमें हमारे हिंदुस्तान से मोहब्बत है। तीर कमान से निकल गया, अब क्या पकड़ेगा? अब तो वो सीधा निशाने पे लगेगा। पटेल ये गलत है, जगन कहाँ है? पीसीआर में मैं बैठा हूँ, लेकिन तेरा पप्पा एमसीआर में बैठा है। जा पाऊँ चुकिया। जगन दरवाजा खोल, जल्दी कर जगन, दरवाजा खोल। ये क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या? मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरी मौत बेवजह नहीं होनी चाहिए। इस फुटेज को देखने के बाद लगता है कि आतंकवादी अब्दुल पर मीडिया की तरफ से लगी तेरी तो लगी। मेहरबान कदरदान साहिबान, मुंह में दबा हो पान या बगल में हो आपकी जान, अगर देख रहे हो Z1 टीवी तो बंद कर दो मेरी जान। एक तिलक पता है, ढाबे में एक रोटी सेकने वाले की जगह खाली है, इसे वहाँ लगा दे, रोटियों के साथ साथ अपनी भी सेकता रहेगा। अभी तेरे को ढाबे पे बैठाता है। हाय मैम, कैसी तबीयत है? Fine. पटेल सर ने आपको ये चेक करने के लिए कहा है। यहाँ रख दो निशान। ओके मैम। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। क्या कर रही हो ये? इतनी इम्पोर्टेंट फाइल है और तुमने इसे गिरा दिया। सॉरी मैम, पेपर्स इधर उधर हो गए। आई एम रियली सॉरी। तुम लोगों का काम पर ध्यान ही नहीं। थैंक यू मैम। हाँ आ जाओ। मैम आपने मुझे बुलाया क्या? मैंने नहीं बुलाया। जगन ने बोला कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो फुटेज है जो आंदोलन कर रहे अब्दुल और Z1 टीवी के रिपोर्टर अशोक के बीच में हुई। मेरा इससे कोई संबंध नहीं। तुम किधर है अशोक? मुझे मत मारना प्लीज। सर सर मैं जंगल में हूँ सर, एक मिनट सर। आखिर चल क्या रहा होता? अब्दुल यही मेरे सामने है सर। वो हुआ ये कि वो अचानक मेरी कार के सामने आ गया और उससे टकरा गया। क्या वो जिंदा है? सर 1 मिनट सर।
जिंदा है सर। गुड। क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? शाबाश। नहीं, पहले उसको अपने कार में डालो, फिर मैं जैसे बोलेगा वैसे करो। चलो जल्दी डालो उसको कार में। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके 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 मत बोलो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। रेन वन टीवी के चेयरमैन केल्विन कार्डोज और रिपोर्टर अशोक के बीच ये बातचीत कार फोन पर हुई है, जो अब्दुल की शर्ट में लगे माइक से रिकॉर्ड हुई, जिसे तिलक ने तब लगाया था जब अब्दुल तिलक को इंटरव्यू दे रहा था। सर, अब्दुल मेरी गाड़ी में है, क्या उसे पुलिस के हवाले कर दूं? अभी नहीं, अभी थोड़ा और हॉट होने दो। मैं कुछ सोच रहा हूँ, इसे थोड़ा ट्विस्ट और टर्न देते हैं। इस वक्त हमारा चैनल का 90% व्यूअरशिप। ओके सर। अभी अब्दुल हमारा चैनल का व्यूअरशिप को 100% तक ले जाओ। ठीक है सर। अभी ठीक 5 मिनट्स बाद तुम इंस्पेक्टर पाटिल को फोन। ओके सर। इसी बीच मैं डरम को फोन करके कोई प्लान तय करता हूँ। और मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे फोन का इंतजार करो। ओके। बी अलर्ट एंड बी स्मार्ट। अभी हमारा 10 सेकंड एड स्लॉट 10 लाख में बिकेगा, इसे कहते हैं डंडा। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। गुड अशोक, बी केयरफुल। ओके सर, बाय सर। ये साजिश भरी बातचीत तिलक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की। और प्रेशर बढ़ गया, पानी में कुछ मिला के दे। अभी लाया। सर, चैनल चल के टेलीकास्ट रोकते हैं। तब तक बहुत देर हो जाएगा। कैसा वकील है तुम? अब्दुल की दर्दनाक मौत में और किस किस का हाथ है, ये हम बस थोड़ी देर में आपको बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो सर। पटेल, ये क्या हो रहा है? सर, हर 10 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सर, यही तो आपको चाहिए था। आप ही ने कहा था ना, सबको हिला कर रख दे, ऐसा कुछ दिखाओ। बराबर दिखा रहे ना सर? पटेल, I will kill you। सही, जैसे तुमने अब्दुल को मारा। पटेल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नेक्स्ट न्यूज तो और धमाकेदार है, देखते रहिए सेठ वन टीवी। क्यों सेठ जी, मेंढक ने ली जब मीठी तान, गधे ने तब गाया गान, तेरी हालत क्यों छुछुन्ना जैसी हो गई मेरी जान। मैम, दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैम, व्हाट, मेरा कार्ड कहाँ चला गया? ये क्या, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। देखता हूं मैम। सिक्योरिटी, PCR आउट ऑफ कंट्रोल है सर, सारा कंट्रोल MCR के पास है। तो MCR को स्टॉप करा। MCR में जगन बैठा हुआ है सर। व्हाट, हे बॉस, आपके बाल बहुत लंबे हैं, लो बालों में लगा लो। यू ब्लडी जोकर। क्या जेन वन टीवी चल रहा है या मिस्टर केल्विन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मुझे। हेलो केल्विन, मैं अपने केबिन में लॉक हो गई हूँ, क्या करूँ अब मैं? प्लीज कुछ करो, इस टेलीकास्ट को रोको, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएगा। हटो, हटो यहाँ से। पाटिल साहब, मैं यहीं जंगल में हूँ। सिग्नल फिर से मिल रहा है, वो लोग यहीं हैं। ए, ए, अदिति, वो देखो पुलिस की गाड़ी। हाँ, यही लटा दो। अशोक, शूट करना है ना? हाँ। कैमरा कहाँ है? कैमरामैन को मैंने बुला लिया है। कितना टाइम लगा रहा है वो? बस आता ही होगा। लो आ गया त्रिपाठी, जल्दी से कैमरा लेकर आ, जल्दी कर। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ए, चल 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 चल। पटेल, ये क्या है, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया तुमने? ये इस तरह हाथ पैर चलाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। पता है ये क्यों मारा? उस दिन तू बोली थी ना, यूथ पोलिंग बूथ। मैं तुझे यहाँ से निकाल के आऊंगी। आइए धर्म सर, ये लीजिए, बॉस की तरफ से गिफ्ट है। ये मुझे बर्बाद करने चला था। अभी तक जिंदा क्यों है ये? ए पाटिल, मार के खत्म कर किस्सा। सर, ये लोग इस खेल को शूट करना चाहते हैं। अबे कोई मर्डर मिस्ट्री बना रहा है क्या? खत्म कर इसको। आपको बेवकूफ बनाने के लिए ड्रामा चाहिए? आप जाइए, आपको यहाँ रुकना ठीक नहीं है। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। सर, आपके घर पहुँचने से पहले आपको खबर मिल जाएगी। अभी मेरे को तुम लोगों पे भरोसा नहीं है। ये रमाकांत यही रुकेगा? हाँ सर, मैं यही रुकता हूँ, आप जाइए। ए, चलो इसे उठाकर पेड़ से टिका दो। जगन, ओपन द डोर मैन। जगन, 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 दरवाजा खोलो। जगन, खोलो। ए, ऐसा लगना चाहिए कि बैठा हुआ है। पाटिल साहब, जल्दी करो ना। ए अब्दुल, उठ, उठ अब्दुल, देख क्या हो रहा है तेरे साथ। पाटिल साहब, गर्दन सीधी करो ना। हाँ कर रहा हूँ। वो झुक रही है। हाँ, आप सही। हाँ, थोड़ा और।
ये रुकेगा कैसे ये? बाडल साहब एक मिनट, गर्दन के पीछे टिका दो। हाँ अब लग रहा है बैठा हुआ है। त्रिपाठी नकली गंदो। पाटिल साहब आ जाओ। ए, 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 आंख बंद है इसकी, आंख बंद है, आंख खोलो। त्रिपाठी अपने सनग्लासेस दे जल्दी। फ्रेम में से मेरी गाड़ी तो हटा। पाटिल हथकड़ी लगा। आराम से। अशोक क्या हुआ? अगवा करते समय इन लोगों ने तेरे को मारा नहीं? तेरा चेहरा बड़ा चिकना लग रहा है। कहां से लाऊं? ए, पकड़ इसको, पकड़। चल चल कस के पकड़। ए, तू अब्दुल के पास जा। बोल के चल, तो मारना था। चल हट 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 साहब, हट हट जल्दी। अब मैं क्या करूं? पाटिल साहब के साथ शूट करते हो? जल्दी आ, जल्दी आ। त्रिपाठी रियलिस्टिक लगना चाहिए। ओके अशोक। नो। हाँ बोलो। एक मिनट सर, सिक्योरिटी चीफ का फोन। हेलो, उधर खड़ा खड़ा क्या चक मार रहा है तुम लोग? कम ऑन, एमसीआर रूम पर जाओ, उस दरवाजे को तोड़ दो। यस सर, आई डू इट। चल मेरे साथ। जल्दी कुछ करो, नहीं तो मैं उधर आके तुम्हारा हड्डी पट्टी तोड़ के रख देगा। सर पहुंच रहा हूं सर। सर एमसीआर रूम के बाहर पहुंच गया सर। सर एमसीआर डोर लॉक है। एमसीआर रूम को छोड़ो और कार रूम को पकड़ो। मैडम कार रूम में चल गए। हां मुझे दो। हेलो केल्विन, भावना सर्वर रूम में जाओ। लो इसे। ओके स्टार्ट कैमरा रोलिंग, एक्शन। अब्दुल मुझे छोड़ दो। अब्दुल प्लीज, प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। भावना सब कुछ टेलीकास्ट हो रहा है, कुछ करो प्लीज। एरर आ रहा है। पासवर्ड, पासवर्ड क्या है? यहाँ के इंचार्ज से पूछो पासवर्ड क्या है। पासवर्ड इंचार्ज से पूछो। सर इंचार्ज नहीं है यहाँ पर। पासवर्ड को गोली मारो, कुछ और करो। ओके सर। सर्वर का नीचे वायर है, उसको खींचो। सर एक मोटी वायर है। अरे खींचो उसको। यस सर। कहा था ना मैंने केल्विन भैया है, तूने मेरा चैनल बंद करवाया और मैंने तेरा चैनल ब्लैकआउट करवा दिया। क्यों केल्विन भाई, इसके आगे क्या हुआ नहीं सुनना चाहोगे? हाँ उसके बाद क्या हुआ वो क्लिप मेरे पास है। अब्दुल ठीक है ना? अब्दुल No!
वाला हूँ। मीडिया वाले तो बहुत खतरनाक होते हैं। सकता ये लोग आतंकवादी है। अबे टकले, मैं भी मीडिया से हूँ, लेकिन तेरी तरह घटिया फिल्म नहीं बनाता। किसी भी मुसलमान को आतंकवादी बनाएगा? किससे दिखाता रे? तिलक तिलक, हम लोग आपस में ना एक डील कर लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, बोल। एक डील कर लेते हैं मेरे और तुम्हारे बीच, और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। सच बोल रहे तू? हाँ, तू डील करेगा? हाँ, पक्का, मुझ पर भरोसा कर। इसी बात पे तेरी मेरी डील। कुछ नहीं होगा अब्दुल, तू ठीक है ना? अब हमें क्या करना होगा तिलक? सब बताता हूँ, पहले अपना फोन दे। अदिति, हाँ, यहाँ कमिश्नर को फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ, ठीक है, जल्दी। तू इधर। हाँ। अब्दुल, इस सीन में तुझे इस सीन में मरना पड़ेगा। हाँ? हाँ? मरना पड़ेगा मतलब एक्टिंग करनी पड़ेगी यार, बस तू लेट जा। ओके। फ्रीज फ्रीज। ए त्रिपाठी, शूट कर। ठीक है। अब्दुल हिलना मत। हाँ त्रिपाठी, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, कर रहा हूँ। ओके, बहुत बढ़िया हो गया अब्दुल, रिलैक्स। इन दोनों कैमरे की फुटेज को मैं रास्ते में एडिट करूंगा, तू ले जाके अपने चैनल को देना। हाँ। तेरे बॉस को पता ना चले कि अब्दुल जिंदा है, ठीक है? चल जा। अब तो तुझे सच पता चल ही गया होगा कि सच दिखाकर भी टीआरपी बढ़ा सकते हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। गोली मत चलाओ। अरे कलेजे में जिगरा है तो चला गोली, डरता नहीं, चला। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो तुम लोग को इधर मारेगा। तुम लोग को मारने के लिए सही वक्त और सही जगह मैं ही चुनेगा। आई विल डिसाइड। अब्दुल को टेररिस्ट बनाकर चैनल को नंबर वन मैंने बनाया। पुलिस से अब्दुल को शूट करवा के बनाया ब्रेकिंग न्यूज। किसने किया? मैंने किया। हिंदुस्तान का टॉप लॉयर्स भाग भाग के आएगा और मेरे को बचाएगा। मेरा वो चमचा अशोक और वो इंस्पेक्टर पाटिल जेल में चक्की पीसेगा। सर, दौड़ पौड़ शुरू कर दे। अरे चलो रे। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे आप लोग? कौन है? अरे ऐसा मत कीजिए। अरे क्या कर रहे हो? जब मैं क्राइम करता हूँ तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। तुम्हारे पास जो भी एविडेंस है उसका तोड़ है मेरे पास। ए, इन फुकरों के मुंह लगने की क्या जरूरत है? ए डमरू, कलेक्टर ऑफिस में तो सुतली बम ही रखा था। यहाँ पर एटम बम रखेंगे, बहुत ऊपर तक जाएगा। तू मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, समझा क्या? जितना कमाई, तू हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, समझा? लेकिन हम उखाड़ सकते। ये इसी दाढ़ी मूंछ और निकला कमिश्नर, ये तुम्हारे बड़े पप्पा है। ज्यादा हिलो डुलो मत, आराम से। ए, तुम्हारे जैसे बेईमान पुलिस वालों की वजह से ही हमारा देश बदनाम हो रहा है। चल निकल यहाँ से। ये लोग तो मोहरे हैं तिलक, केल्विन इन सबको फंसा कर खुद बच निकलेगा। हमें उसके खिलाफ किसी तरह ठोस सबूत। सर, एविडेंस के लिए आपको भेष बदलना होगा। मैं समझा नहीं। उस रात आप क्रिश्चियन बने थे ना, अब मारवाड़ी बन जाइए। देखा बॉस, पुराने आइडिया से कैसे हॉट सेलिंग न्यूज बनाई जाए। हटो हटो हटो। गाड़ी छोड़ रहे। तुम्हारी सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई है, अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वो बात ऐसा है ना केल्विन, कि इस बार कमिश्नर साहब ने तुम सब की पुंगी बचा दी। ओके सर। इस फेक एनकाउंटर से तिलक ने आपको बचाया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अब्दुल? इंसानियत, राजनीति, मजहब और हुकूमत, इन तीनों से बड़ी होती है। समाज को बदलने के लिए बस इतना काफी है कि जरूरतमंदों को बचाने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, जैसे आज हुआ। मुझे बचाने के लिए तिलक सामने आया, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। हमारी लड़ाई सिर्फ विचारों की है। इस तरह कायरों की तरह छुपकर हमारी जिंदगी से मत खेलो, वरना क्रांति आएगी। हम जिए या मरे, पर मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। एमएलए सर, आपने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? ए बस रे, भोकला बंद करो। एकदम शान, एकदम मजबूत वकील लाऊंगा कि अगले हफ्ते इधर ही बैठ के दारू पीता दिखूंगा। सर, आपने मीडिया में होकर ऐसा क्यों किया? मीडिया एक शो बिजनेस है और कुछ भी नहीं। हम वही दिखाता जो पब्लिक को देखने में अच्छा लगता है। हम गाय को शर्मिंदा हुए। गेट लॉस्ट। अरे सर, कैसा लग रहा है आपको पकड़े जाने पे? कैसा लग रहा है बताइए ना सर, प्लीज बताइए ना। जलसा। तिलक अदिति, आई लव यू।
चलो। यार तिलक, हाँ सर, इस सिचुएशन में मुझे एक डायलॉग याद आया। वाह सर, क्या टाइमिंग है, मुझे भी इस तड़कती भड़कती सिचुएशन पर कुछ याद आ रहा है। तो सर बता 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 तुझे क्या याद आया। जो मुझे याद आया वो तुझे तो नहीं आया, तो बता क्या याद आया। सर मैं आपके दिल में भी रहता हूँ, अब जब दिल में रहता हूँ तो दिल की बात जानता हूँ। तो अच्छा चल बता बता दो। हाँ बता, पक्का बता दो। अरे बात बताऊं तिलक, हाँ। मैंने शादी नहीं की लेकिन मुझे बच्चों का बहुत शौक है। घबराइए मत सर, हम सब आपके ही छोटे बच्चे हैं।